नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावी संग्राम में किताब बम का एक बड़ा धमाका हुआ है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, कोटेड, किताब बम का एक बड़ा धमाका हुआ है। दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावी संग्राम से ठीक पहले, या कहें तो चुनावी संग्राम तो चल ही रहा है, नतीजे और उससे पहले, मतदान से पहले, ठीक पहले, जिससे फिलहाल बीजेपी के नेता काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि एनसीपी शरद गुट के नेता और राज्य के यानी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की एक किताब आई है और किताब का नाम है डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर। जी हां, ये देख लीजिए किताब, अनिल देशमुख डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर, ये सत्ता, साजिश और सच्चाई, एक गृह मंत्री की संघर्ष गाथा, ये किताब है। और इस किताब में बहुत ही सनसनीखेज खुलासे हुए हैं जिनसे बीजेपी मुश्किलों में पड़ गई है। आप ये तय मानिए कि बीजेपी की मुश्किलें यहां से बढ़ गई हैं। अनिल देशमुख ने बताया है इस किताब में कि किस तरह देवेंद्र फडणवीस, जो उप मुख्यमंत्री हैं इस वक्त महाराष्ट्र के, उन्होंने देशमुख के जरिए, यानी अनिल देशमुख के जरिए, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार जैसे बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश की, जबकि वो ये देखकर चौंक गए कि अजीत पवार बीजेपी के साथ सरकार में हैं, फिर भी उन्हें फंसाने के लिए तैयारी की गई थी। इसी तरह आदित्य ठाकरे को दिशा सालियान केस में भी फंसाने की साजिश रची गई थी। इन खुलासों के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल मच गई है, क्योंकि एक तरफ यह साबित हो गया है कि शिवसेना को तोड़ने के बाद भी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के असर का डर बीजेपी को लग रहा था, और इसका मतलब यह है कि वो एकनाथ शिंदे पर भरोसा नहीं कर रही है, बल्कि वहीं पर अजीत पवार को फंसाने की बात भी जाहिर करती है कि अजीत पवार को किसी न किसी तरह किसी बात पर सरकार से बेदखल करने का इंतजाम बीजेपी ने किया हुआ है। यानी यहां अजीत पवार को भी बाहर कर दें, शिंदे को भी बाहर कर दें, जब तक मलाई खाना है खा लें, उसके बाद दोनों को बाहर कर दें और खुद सत्ता पर काबिज हो जाएं। ये पूरी की पूरी रणनीति, और इस किताब में ये सारी चीजें सामने आ रही हैं जो लिखा है अनिल देशमुख ने, एक होम मिनिस्टर की डायरी। महायुति यानी एनडीए, अब एनडीए कह सकते हैं क्योंकि और भी इसमें कई दल मिलने वाले हैं, तो लेकिन फिर भी अगर महाराष्ट्र का नाम है तो महायुति कह लें। महायुति में वैसे ही सीट बंटवारे को लेकर आप जान रहे हैं कि सहमति नहीं बन पा रही है लगभग 100 सीटों पे। जी हां, 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है महाराष्ट्र में, महायुति में, जिसमें बीजेपी है, जिसमें एनसीपी अजीत पवार गुट है और जिसमें शिवसेना शिंदे गुट है। और इस पर अनिल देशमुख की इस किताब से जो हंगामा खड़ा हुआ है, क्या बीजेपी उसे शांत कर पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, वैसे भी इस बार महाविकास अघाड़ी के हौसले सातवें आसमान पर हैं, यानी इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, और उसे यकीन है कि लोकसभा जैसा ही नतीजा विधानसभा में भी मिलेगा। आदित्य ठाकरे ने तो उसे महाराष्ट्र प्रेमी बनाम महाराष्ट्र द्रोही का मुकाबला करार दे दिया है। आइए जरा सुनते हैं पहले आदित्य ठाकरे को, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा है इसी मसले पर, सुनिए। शिवसेना के एकनिष्ठ विधायक रह चुके हैं दो बार, एक तरफ अभी उनकी तालीम में केशवरप्पा पाटिल तैयार हो चुके हैं पॉलिटिक्स के लिए, और अभी उनके अगेंस्ट में उनकी वैशाली देवी बिल्कुल जीतेगी। और ये जो लड़ाई है, जो चुनाव है, वो महाराष्ट्र प्रेमी वर्सेस महाराष्ट्र द्रोही, ये लड़ाई है। पिछले दो साल में आपने देखा होगा तो एकनाथ शिंदे ने और बीजेपी ने महाराष्ट्र का जो लूटा है वो लूट रोकने के लिए लड़ा है। महाविकास आघाड़ी की जो लिस्ट है उसमें बदलाव हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सुन रहे थे आप, यहां पर आदित्य ठाकरे साफ साफ कह रहे हैं ये लड़ाई महाराष्ट्र प्रेमी बनाम महाराष्ट्र द्रोही है, यानी महाराष्ट्र प्रेमी जो है वो किसके साथ है और महाराष्ट्र द्रोही जो है वो किसके साथ है। आपको बता दूं कि मुंबई की जो वर्ली सीट है वहीं से आदित्य ठाकरे के मुकाबले किसे उतारा जाए, इसे लेकर एनडीए परेशान है। चर्चा है कि मिलिंद देवड़ा यहां से एनडीए के उम्मीदवार बन सकते हैं, यानी ठाकरे गुट की शिवसेना का दबदबा अब चुनाव में नजर आने लगा है। और इधर आज कांग्रेस की सीईसी की एक अहम बैठक महाराष्ट्र को लेकर चल रही है, और जिसमें कुछ और उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगाई जाएगी, क्योंकि कल देर शाम महाराष्ट्र में 48 सीटों पर मुहर लग गई, 48 उम्मीदवार खड़े कर दिए गए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, 45 उम्मीदवार एनसीपी शरद गुट से खड़े किए गए। और आज जो चर्चा चल रही है, इस चर्चा में अभी
और मुहर लगना बाकी है। 85 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, 85 सीटों पर एनसीपी शरद पवार गुट और 85 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, ये तीनों अपने अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे। उसके साथ साथ बची हुई 18 सीटें अपने सहयोगियों को और उसके अलावा बची हुई जो 15 सीटें हैं उस पर आपस में हो सकता है कि 5-5 सीटें तीनों बांट ले तो 90-90 सीटें हो जाएंगी, या हो सकता है कमोबेश किसी को आगे किसी को पीछे सीटें दी जाएंगी। इस बैठक में राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं। जबकि आज दिन में राहुल गांधी उत्तम नगर, दिल्ली के उत्तम नगर में कुम्हारों की बस्ती में पहुंचे और उनसे उनके जीवन की कठिनाइयों के बारे में जानकारी जाना भी राहुल गांधी ने। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, उत्तम नगर की तस्वीरें हैं, यहां पहुंचे थे राहुल गांधी और वहां के कुम्हारों की बस्ती में। और बहुत मजेदार है ये तथ्य यहां पर जानना कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ठीक 2 दिन पहले रूस के कजान शहर में चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे थे, शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यहां राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष उन कुम्हारों से मुलाकात कर रहे हैं जो अभी अपने दिए को बेचने के लिए और पाई पाई इकट्ठा करने के लिए मोहताज हैं। और यही स्थिति कमोबेश आप अगर मुंबई के रहने वाले हैं तो आप कहीं और दूर मत जाइए, आप वहीं चले जाइए जिस बस्ती को अदानी के हवाले करने की कोशिश हो रही है, वहां भी यही काम होता है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम आप जानते हैं, तो वहां से लेकर यहां तक की परिस्थितियां। लेकिन इसी बस्ती में जहां राहुल गांधी आज थे, उसी बस्ती में एक नाई की दुकान पर यानी हेयर सैलून पर राहुल गांधी पहुंचे और वहां ट्रिमिंग करवाई राहुल गांधी ने। पहले इस वीडियो को देखते हैं, राहुल गांधी ने वहां पहुंचकर और इसके बाद एक वीडियो जारी किया है, हेयर सैलून में पहुंचने के बाद जब ट्रिमिंग करवाई है उसकी वीडियो, उसका वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया है, वो पहले देख लेते हैं फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए। कुछ नहीं बचता है, 15,000 में आज क्या बचे? कुछ नहीं बचे। क्या घर का किराया? घर का किराया 2,000 रुपए, 2,000 रुपए सिंपल मिलते हैं, उसको किराया चले जाता हूँ। और वाइफ भी है? हाँ वाइफ भी है, वो आज की प्रॉब्लम है। पेंशन काफी ले रहे हो आप? हमारे घर एक महीने में 14-15,000 रुपए का होता है, दुकान किराए का, कमरा किराए का। जब पहले आए थे क्या सोच रहे थे? अरे जब आए थे तो फिर आगे भविष्य हमारा अच्छा होता, कुछ मेहनत करेंगे, लेकिन ये कहीं रह गया। आपके राज्य में हमने बहुत कुछ सुकून था कांग्रेस के राज्य, क्या करें, हम लोग तो तरक्की नहीं हो पाता, हम लोग यही कह रह जाएंगे, बस एक बन का घर में रह जाएंगे, कुछ भी नहीं। मेहनत अभी आए रात 11 बजे जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलता। हम लोग तो क्या करें, हम लोग का जिंदगी नहीं ऐसे कट रहा है, हम लोग आगे तरक्की नहीं कर पाए, बच्चों का भविष्य अधर्म है। हम डिसेबिलिटी पर्सन है, हम पैर से दिव्यांग है, हम जैसे गरीब आदमी को हमें कोई सहारा देने वाला तो है इस दुनिया में, आजकल कौन किसको ढूंढता है। राहुल जी से मिलके बहुत बड़ा खुशी मिला है और मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला है। तो राहुल जी से मिलके बहुत बड़ी खुशी मिली है, बहुत सुकून मिला है, ये बात कह रहे हैं इसी जिनके दुकान पे पहुंचे थे राहुल गांधी। इसके बाद इसी दुकान पर हमारी टीम पहुंची, हमारे संवाददाता इकरार खान यहां पहुंचे और इन्हीं से बातचीत की। इकरार खान ने क्या कुछ अपनी टीम को, यहां डीबी लाइव की टीम को इन्होंने बताया है, जरा यह भी सुन लेते हैं। राहुल गांधी से मिलने के बाद जो चर्चा हुई और आज दिन भर ये चर्चा में बने रहे, जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं डीबी लाइव से। क्या नाम है आपका? अजीत ठाकुर। अजीत जी ये बताइए, सुबह राहुल गांधी पहुंचे यहाँ जी और आपकी दुकान पर वो रुके, तो इस दौरान आपकी क्या बात हुई और क्या क्या उन्होंने करवाया आपसे? सर मैं बाहर खड़ा थे, राहुल गांधी जी ये आज जा रहे थे और रुके, अचानक से रुके, आए हाथ मिलाए और उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो। मैंने कहा सर मेरा हेयर कटिंग की शॉप है। उन्होंने कहा कि आप मेरा दाढ़ी का सेटिंग करोगे? मैंने कहा जरूर करेंगे। वो अंदर आए, उनका सेटिंग मतलब दाढ़ी सेटिंग की है। उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें पूछे, ये आपका दुकान किराए का है या अपना है? मैंने कहा सर किराए पर है, मकान भी किराए का है, कितने साल से रहते हो? मैंने कहा सर मैं सर 1993 में दिल्ली में आया था, जब से मैं यहीं रहता हूँ, पीछे से मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये सब बातें हुई थी। पूछे क्या कमा लेते हो? मैंने अपना बताया, मैं जितना कमाता हूँ बताया उनको। उन्होंने बहुत सारी बातें मेरे से पूछे, बताए उसका मेरा परिवार के बारे में पूछे। और उन्होंने जो दाढ़ी सेटिंग करी थी, मेरा मिनिमम प्राइस 50 रुपये का था, उन्होंने मुझे 500 रुपये दिए और मुझे उन्होंने बोले कि जो हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे। इन सारी बातें बता के मुझे हो गए।
तो मतलब आपको कैसा लगा, आप पहचान गए थे राहुल गांधी? राहुल गांधी को हम क्यों नहीं पहचानेंगे, उनका काफी दिनों से देश में उनके परिवार ने काम किया है और अच्छे इंसान है। उनको देख के मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे आँख से आंसू भी आ गए, वो भी खुशी के आंसू, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अच्छा, इतने भावुक हो? बिल्कुल, मैं रोक नहीं पाया। और उनका फिर सेविंग वोविंग करने के बाद फिर वो मिलके फिर गए। हो भावुक क्या हुए थे, क्या भावुक याद आ गया? इतने बड़े आदमी और छोटे से मोहल्ले में आके निचले तबके जो सबसे नज़दीकी पायदान पर है उनसे मिलना, ये छोटी बात नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में टॉप लीडर आजकल कोई सांसद बन जाए तो दूसरे को मिलने को राजी नहीं होता अपने घर में, वोट लेने के बाद हम आपको पहचानते नहीं। इतने बड़े नेता आके मिलते हैं तो कोई छोटी बात थोड़ी होता है। हम भविष्य में सपने में नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात कभी राहुल गांधी से होंगे, कभी नहीं। तो जो बाकी नेता है वो निचले तबके के लोगों से नहीं मिलते, राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं, आज आप भी, आपकी भी उनसे मुलाकात हुई? मैं बहुत खुश हुआ। पिछले महीने में इनको 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा, ये बाहर इतनी लंबी लंबी दूरी का जो गए हैं, लोगों से जुड़ा, मैं इनको जननायक मानता हूँ इस तरीके से। अगर घर घर जाके आदमी से मिले और सबका हाल चाल जाने, इससे देश का और क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया आदमी है। तो अचानक सुबह के टाइम किस समय पहुंचे थे वो यहाँ? वही तकरीबन मॉर्निंग में 8 बजे। अच्छा, 8 बजे। 8 बजे आए। हाँ, तो आए और चलते हुए सबसे मिलते गए यहाँ कॉलोनी में सब लोग। सबसे मिले। तो आप सुन रहे थे यहाँ राहुल गांधी से मुलाकात, और राहुल गांधी की ट्रिमिंग करने के बाद जब हमारी टीम पहुंची तो हमारी टीम से जो बातचीत हुई है इनकी, और अभी आपने सुन लिया। और यहाँ से राहुल गांधी की राजनीति अब आश्चर्य नहीं जगाती है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी लगातार ऐसे तबकों के बीच पहुँच रहे हैं जिनसे हुनर की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन उन्हें वो सम्मान और समाज में जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे जो हुनर वाले लोग हैं इनके बीच कम से कम राहुल गांधी या राहुल गांधी सरीके लोग पहुँचें और उनके हुनर का सम्मान करें, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और इसके वो हकदार भी हैं, आप जानते हैं। इन कामगार तबकों के लिए राहुल गांधी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और संविधान की रक्षा के वचन को पूरा कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी को लेकर लगातार गलत बयानी करती रही है, जिसका जवाब अब शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी दिया है। आइए जरा प्रियंका चतुर्वेदी को सुन लेते हैं। पिछले दिनों प्रियंका चतुर्वेदी को काफी ट्रोल किया जा रहा था, लेकिन आज प्रियंका चतुर्वेदी ने राहुल गांधी के बारे में क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। एक बयान आया कल, कहा कि राहुल गांधी ने जो आरक्षण को लेकर बयान दिया था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, वही भूमिका बाबा साहेब अम्बेडकर की भी थी कि जब सब सही हो जाएगा तो आरक्षण नहीं होना चाहिए, सब एक जैसा, उसको लेके काफी विवाद हो रहा है। और फिर अब फिर से नाना का एक बयान आया कि राहुल गांधी को बदनाम किया जा रहा है। देखिए, मैंने नाना पटोले जी का बयान सुना नहीं है, पर राहुल गांधी जी का बयान जो अमेरिका में था और जिस तरीके से एक एडिटेड वर्जन देश में फैलाने का काम किया था वो अनफॉर्चुनेट था। पर स्पष्ट तो ये है कि आरएसएस हमेशा कहती आई है कि आरक्षण खत्म करने की जरूरत है, और ये भी सच्चाई है कि जब ये 400 का नारा पार की बात कर रहे थे, इनके कितने सारे उम्मीदवारों ने आकर कहा था आप हमें 400 से ज्यादा सीट देंगे तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस यही तो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस तरीके का ध्रुवीकरण करें, आरक्षण खत्म करें, संविधान को खत्म करें, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों को खत्म करें। यही इनकी सोच है, यही इनकी उम्मीद है, यही आरएसएस की मांग है उनसे। तो दूसरों के ऊपर ये थोपना मैं मानती हूं कि गैर जिम्मेदाराना है और एक डेस्परेशन दिखाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी की जीत होने वाली है और उन मुद्दों पे होने वाली है जो महाराष्ट्र के हित में है, जनता के हित में है, इसलिए वो इस तरीके का भ्रम फैलाने का काम कर। तो आरक्षण का मसला हो या राहुल गांधी का मामला हो या इंडिया गठबंधन की बात हो, यहां इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट दिखाई दे रहे हैं, ये लगातार आप देख रहे हैं। बीजेपी तो लगातार महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन में फूट के दावे करती आई है, लेकिन शिवसेना नेता अगर राहुल गांधी के बचाव में बयान देते हैं तो सारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाती है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं। चाहे संजय राउत हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो, ऐसे तमाम नेता हमेशा राहुल गांधी के सामने खड़े, उनके साथ खड़े नजर आते हैं। बीजेपी की इस पोल खोल में चुनाव पर क्या असर पड़ेगा और किस तरह किताब बम के धमाके में खुद को बीजेपी बचा पाएगी, इन तमाम मसलों पर
चर्चा करेंगे आज। और सबसे बड़ी बात, कि देश की सियासत से बड़ी खबर क्या आ रही है, और इस खबर में एक बात और जोड़ दूं कि परसों यानी 27 तारीख को नीतीश कुमार ने अपने सांसदों को, विधायकों को अचानक मीटिंग पे बुला लिया है। उसके क्या मायने हैं? नीतीश कुमार उधर बिहार में, और उन्होंने अपने सांसदों विधायकों को मीटिंग पे बुलाया है। क्या कुछ बड़ा होने वाला उधर बिहार में? हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं हो, मर्जी है नीतीश बाबू की, जब चाहे इधर हो या उधर हो। लेकिन महाराष्ट्र से लेकर देश की सियासत पे क्या कुछ हो रहा है, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रेम कुमार जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं और समीर आत्मज मिश्र जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है, आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले इस कार्यक्रम में। एक और साथी जुड़ गए हमारे साथ, अमलिंदु उपाध्याय जी। अमलिंदु जी आपका भी स्वागत करता हूं। तो सीधा आना चाहता हूं शकील जी सबसे पहले आपके पास ही। शकील जी, सीईसी की बैठक चल रही है उधर, और महाराष्ट्र को लेकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, क्या महाराष्ट्र यानी क्या चुनाव, विधानसभा चुनाव, क्या उपचुनाव, इस बार हाथ से बाजी नहीं जाए, अपने ही हाथ में आए, क्या इसी अंदाज में अब इंडिया गठबंधन वाले काम कर रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र बॉम्बे बहुत दूर है, मगर वहां से बहुत लोग कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली आए हुए हैं एआईसीसी में। इससे पहले झारखंड के लोग भी आए हुए थे, झारखंड के पास टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो वो सब चले गए, लेकिन आज सबकी निगाहें जो हैं, अभी जब हम वहां से निकले तो सीईसी की बैठक वहां चल रही थी और चारों तरफ से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने घेर रखा था उस कमरे के आसपास। वहां सिक्योरिटी वालों को बड़ी मुश्किल पड़ रही थी उनको हटाने की। लोग ये समझते हैं कि अंदर जो मीटिंग हो रही है उसकी जानकारी उन्हें फौरन मिल जाएगी, तो उत्सुकता बहुत थी। तो आज लगता है कि करीब करीब सारी सीटों पे क्लियर हो जाएगा। जो 35-37 सीटें बची हैं, 85 क्लियर हो गई हैं, उन 85 में से 45 हो गई हैं और बाकी जो है वो आज क्लियर कांग्रेस कर देगी, सीईसी उसको क्लियर कर देगी, और फिर जो बाकी बची है जो कांग्रेस को मिलेगी उस पर अलग से फैसला हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो है कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं, और वहां पे जो सीट शेयरिंग का मामला था जिसको मीडिया कह रहा था बहुत फंसा हुआ है, वो बड़े आराम से हो गया है वहां पे। और अभी तक जो है बीजेपी में महायुति गठबंधन जिसे कहते हैं उसमें जो है ज्यादा परेशानियों का उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र के अंदर जो है इस बार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो इंटरेस्टिंग इसलिए है कि पिछले 5 साल में वहां पे बीजेपी ने जो किया, वहां पे गवर्नर ने जो किया, जिस तरह वहां पे सरकारें बदली गई, उससे जनता जो है वो बहुत नाराज है, और वो उस नाराजगी को इस बार अपने वोट के द्वारा जो है वो हिसाब करना चाहती है। एक इसके अलावा दूसरी बात हम जरूर और बोलेंगे कि आज की जो बड़ी खास खबर रही है, कि इस पे तो हम बाद में आएंगे कि ये जो आज अपने स्ट्रीमिंग कराने के लिए राहुल गए, लेकिन आज जो कुम्हारों के पास राहुल गए तो देखिए हम याद ही कर रहे थे कि पहले हम लोग हर रिपोर्टर जो है 1-2-3 कई स्टोरियां जो है दिवाली से पहले कुम्हारों की बस्ती में जाके करता था, उसके बाद फिर बाजारों में जाके करता था कि देखिए इतनी मेहनत से बना है मगर वो बिक नहीं रहे। तो एक माहौल पैदा करने की कोशिश होती थी, उनका दर्द सामने लाने की कोशिश होती थी कि कुम्हार का काम कितना मुश्किल है, पूरा परिवार लगा होता है, और आज तो वीडियो है, कैमरे से हो जाता है, लेकिन पहले कलम के जरिए हम लोगों को पूरी कहानी बताना पड़ती थी, कहां से मिट्टी खोद के ला रहे हैं, कैसे उसको उठा के लाया जा रहा है, कैसे चाक चल रही है, और फिर कैसे बाजार में जा रहे हैं। तो हम लोगों ने तो वो काम करना बंद कर दिया, हमें तो वो स्टोरी अब कहीं दिखी नहीं इस साल, लेकिन राहुल ने वहां पहुंच के उनका दर्द जो है सबके सामने ला दिया। यही एक नेता का काम होता है कि देश के, समाज के उस तबके को जिसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है, जिसके पास कोई जा नहीं रहा है, उसकी समस्याओं को सबके सामने लाना, और राहुल ये काम कर रहे हैं।
देखिए अब तो क्या है कि चीन की लड़ियां सब जगह बिक रही हैं, अब तो दिए जो हैं वो खाली ये भावनात्मक इशू बनाने के लिए ये कभी कभी लिख देते हैं, कुछ व्हाट्सएप मैसेज आ जाते हैं, लेकिन पहले तो हमें अच्छी तरह याद है हर घर में बाजारों में दिए ही जलते थे और बहुत कम जो है वो लड़ियां जलती थी, और वो लड़ियां भी हमें अच्छी तरह याद है जब आई वो सब भारत में बनी थी। ये छोटे बल्ब का काम है, अब ये आजकल कोई बताता नहीं है कि छोटे बल्ब का काम है, चीन में बहुत बाद में होना शुरू हुआ है। ये भारत के जो एंटरप्रेन्योर थे इन्होंने छोटे बल्ब को बनाना, हमें याद है आज से करीब 40 साल पहले शुरू कर दिया था छोटे छोटे बल्ब और उनकी लड़ियां बनाना, और ये बिकने लगी थी, मगर उसने बड़े पैमाने पे हम नहीं कर पाए और चीन ने वो कर दिया। तो आज हालत क्या है कि हमारे दिए कहीं नहीं है और उनकी लड़ियां बिक रही हैं, और अब तो जो एक फॉर्मेलिटी के लिए ये लोग प्रचार करते थे, कहते थे कि चीन की लड़ियों का बहिष्कार करो, वो भी करना छोड़ दिया है, अब तो कहना ही छोड़ दिया है। मतलब अब दिवाली पे हर सामान चीन का ही बिकेगा, चीन का ही सामान हमें खरीदना है, और उसमें अब किसी को कोई आपत्ति नहीं। एक ये जो वाली बात जो बड़े अच्छा आपने दिखाया, इंटरव्यू भी दिखाया और वो भी दिखाया, लेकिन राहुल गांधी किस तरह जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, किस तरह से उन्होंने अपना जो इलिट क्लास है वो छोड़ दिया है, वो हम एक साधारण आदमी जो एक मिडिल क्लास होता है, एक लोअर मिडिल क्लास भी होता है, उसकी भी अपनी कटिंग की दुकानें होती हैं, वो थोड़ा इंतजार भी करता है और अपने दाढ़ी पे सर पे किसी को हाथ नहीं लगाने देता है। पर आप देखिए कि राहुल इससे पहले भी गए थे, अभी भी गए, वो कहीं पे भी जाके अपनी दाढ़ी ट्रिम करवा लेते हैं, अपने बाल कटवा लेते हैं। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े नेता ऐसे हैं कि वो गोल मार्केट में खास दुकान पे ही जाके अपने बाल कटवाते हैं, होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं, तो ड्राई क्लीन भी आदमी अपने ही वहीं पे करवाता है, कई चीजों का होता है ये। लेकिन ये जो होता है अपने आप को डिक्लास करना, अपने आप को सामान्य आदमी के स्तर पर लाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये सबके बस की बात नहीं होती, और नेता वही होता है, जन नेता वही होता है जो आम आदमी के स्तर पे आ जाए, उस तरह से जीने की, दिखने की, उनसे मिलने की, उनके साथ चीजों को बांटने की कोशिश करे, और राहुल यही कर रहे हैं। इसीलिए राहुल जो है आज देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में है। देखिए चुनाव की हार जीत अलग है, चुनाव की हार जीत में बहुत सारे आज इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से आप देखा जाए, अब आप देखिए मीडिया वो कोई भी सर्वे नहीं कराता है और बहस नहीं करता है कि देश का सबसे लोकप्रिय नेता कौन, उनके टीवी में भी, उनके जो वेबसाइट चलती है उनमें भी राहुल आगे आ जाते हैं, क्योंकि राहुल अब लोगों के दिलों तक पहुंच चुके हैं, और दिलों तक ऐसे ही नहीं पहुंचे, दिलों तक इसलिए पहुंचे हैं कि वो लोगों की समस्याओं को सुनने का और समझने की कोशिश करते हैं। आम आदमी क्या चाहता है, आम आदमी यही चाहता है कि लोग, बड़े लोग या जो नेता सत्ता में है वो हमारी बात सुने, तो सत्ता के नेता नहीं सुनते, नेता प्रतिपक्ष सुन रहा है, ये अच्छी बात है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष सुन रहा है, ये अच्छी बात है, और नेता प्रतिपक्ष दिवाली से ठीक पहले कहाँ है ये आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिवाली के समय और जिन कुम्हारों की बस्ती में जाना चाहिए, कई लोगों को, कई ऐसे जन नेताओं को, वहाँ कोई और नहीं जाता है, वहाँ नेता प्रतिपक्ष जाता है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसी बीच, इसी दिवाली के बीच कहीं ना कहीं रणनीतियाँ बन रही हैं देश के इन दो, और सबसे बड़े खासकर जो महाराष्ट्र है दूसरा सबसे बड़ा राज्य, इस राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। उससे पहले अनिल देशमुख की किताब, उस किताब का बम जो है वो धमाका कितनी दूर तक होगा, इसकी गूंज शायद 23 नवंबर को सुनाई दे, लेकिन उससे पहले इधर जो तैयारियां चल रही हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपनी बातें रखी हैं, जरा पहले अखिलेश यादव को सुन लेते हैं, फिर आना चाहता हूं प्रेम कुमार जी आपके पास। अखिलेश यादव आज करहल में थे, मैनपुरी में चुनाव प्रचार के लिए गए थे, और वहां मीडिया से उन्होंने चर्चा की, और साफ साफ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है उसके तहत हम बीजेपी को पस्त कर देंगे। सुनिए जरा अखिलेश यादव को। आप बेहतर समझते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है
तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया? कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। बाय इलेक्शन में स्वरूप क्या रहेगा? 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे, अभी साथ साथ लड़ रहे हैं ये कह रहे हैं इधर अखिलेश यादव, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बिल्कुल कमर कस के लग रहा है कि यहां इस चुनाव के लिए, उपचुनाव के लिए भी तैयार हैं। प्रेम कुमार जी, शुक्रिया राजीव जी। बात यहीं से शुरू करते हैं जहां से अखिलेश जी ने बाइट दी है। अखिलेश जी को एक बात कहनी पड़ी, दो ट्वीट्स आपने एक दिन पहले देखे थे, दो लगातार ट्वीट्स थे। एक ट्वीट तो था जिसमें उन्होंने कहा था कि साइकिल इंडिया के अंतर्गत पूरा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, तो इसका दो मतलब निकलता है, और वो मतलब निकला जो अपोजिशन में थे उन लोगों ने ये बताया कि देखो कांग्रेस की हैसियत बता रहे हैं, कांग्रेस की इतनी भी हैसियत नहीं कि चुनाव लड़ सके यूपी में, और सिंबल साइकिल के सिंबल पे लड़ेंगे, इस तरह की बात आई, उससे दो मतलब निकलते। तुरंत अखिलेश यादव ने इसकी क्षतिपूर्ति की और राहुल गांधी के साथ अपनी एक तस्वीर लगाई और फिर बताया कि हम इंडिया गठबंधन का मतलब ये है, और इस तरीके से उन्होंने उस नैरेटिव को तोड़ने का प्रयास किया कि नहीं, हमने जो लिखा उसका मतलब दरअसल इंडिया गठबंधन था। तो ये तुरंत में जो क्षतिपूर्ति करना है ये भी एक राजनीतिक आवश्यकता है, और इस राजनीतिक आवश्यकता का संबंध कहीं ना कहीं कांग्रेस के बीते समय में उस मेहनत को जाता है जिसके कारण कांग्रेस में चुंबकत्व पैदा हुआ और क्षेत्रीय दल कांग्रेस को अपने साथ रखने को विवश हैं, क्योंकि इसको उलट कर देखिए, लोग बोलते हैं समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता हमेशा टीवी चैनल पर जब बैठते हैं तो वो कांग्रेस को श्रेय देने में शर्माते हैं, उनको दिक्कत होती है बोलने में, बल्कि उनसे उलट के पूछा जाता है कि कांग्रेस आपकी वजह से 6 सीट लेकर के आ गई, तो बहुत मंद मंद मुस्कुराते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पर बहुत एहसान कर दिया, कांग्रेस को 6 सीटें वो समाजवादी पार्टी के इससे आ गई। लेकिन दरअसल यहां पर ये मंद मंद मुस्कुराने जैसा व्यवहार उचित नहीं है। गठबंधन अगर है तो जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जो तस्वीर लगाई, जो क्षतिपूर्ति की, वो बोलना पड़ेगा कि ये इंडिया गठबंधन खड़ा है, कांग्रेस भी हमारे साथ है और हम मिलकर लड़ रहे हैं, और ये परिस्थिति वश है कि जो भी है हमारा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का, वो भी कांग्रेस का उम्मीदवार है, कांग्रेस भी उसको मानकर लड़ रही, गठबंधन का भाव ये है। क्योंकि अगर अपने दम पर 37 सीट जीत रहे होते तो उससे पिछले चुनाव में मायावती जी के साथ गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी का, 5 ही सीट समाजवादी पार्टी को आई, बीएसपी को तो 10 सीट आई, वो 0 से 10 पर पहुंच गई, आप 5 के 5 रह गए। तो इस बार 2024 के चुनाव में अगर ये गठबंधन ने परफॉर्म किया है तो इसमें कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है, उस पर बोलना चाहिए समाजवादी पार्टी को, खुलकर बोलना चाहिए कि कांग्रेस की भूमिका है इस जीत में। अगर वो चुप्पी मार जाते हैं, अगर वो मुस्कुरा करके ये कहते हैं कि 6 सीटें कांग्रेस को आई हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आई है, तो ये कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म का उल्लंघन होता है। ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि मैं तटस्थ भूमिका में मैं देख रहा हूं सारी चीजों को कि किस तरह से चुनाव लड़ा गया, किस तरीके से नतीजे आए, और इस चुनाव में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन तमाम तरह की बातों के बीच भी स्ट्रांगली खड़ा हुआ दिखता है, समाजवादी पार्टी के साथ भी उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी जो गठबंधन का स्वरूप बन रहा है उसमें बस अब हमें तो पता चल रहा है कि अब थोड़ी देर में घोषणा होने ही वाली है, और कांग्रेस जो है लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जो हमें पता चल रहा है उसके हिसाब से।
और वो 85 वाला फॉर्मूला में भी थोड़ा सा लोचदार होगा, लोच है, और लोच का मतलब इलास्टिसिटी है, और एनसीपी को 85 से कम सीटें मिलेंगी, ये भी है शरद पवार वाले को फाइनल जो हमें दिख रहा है ये होने वाला है। तो जिस स्वरूप में भी ये इंडिया गठबंधन सामने आता है तो ये दूसरी तरफ महायुति है। महायुति में क्या दिक्कत है? महायुति में दिक्कत यही है कि एक डिक्टेशन है दिल्ली से, भाई दिल्ली में तो कांग्रेस पार्टी भी है, दिल्ली में बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस डिक्टेशन नहीं दे रही है, डिक्टेशन ले रही है, महाराष्ट्र का डिक्टेशन ले रही है सहयोगी दलों से, और दिल्ली में बीजेपी बैठी है वो डिक्टेशन दे रही है अपने सहयोगी दलों से। ये बहुत बड़ा फर्क दोनों गठबंधन के बीच है। तो एकनाथ शिंदे जो कि चाहते हैं कि हमें उद्धव ठाकरे जी की तरह भाव मिले इधर महायुति में, वो मिल नहीं रहा है। अब वो नहीं मिल रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जब शातिराना तरीके से किसी सरकार को गिराते हैं, आप अपनी ही पार्टी को धोखा देते हैं, तो आप उसी समय इस बीज को भी बो देते हैं कि आपके साथ भी कोई शातिराना तरीके से व्यवहार करेगा, आपके साथ भी कोई धोखा करेगा, उसके बीज आप बो चुके होते हैं जी। तो ये चीजें देखने को मिल रही। आज महायुति में तीनों दल ये समझाने को लगे हैं एक दूसरे में कि आप सबसे कमजोर कड़ी हैं, आपकी स्ट्राइक रेट सबसे कम रहने वाली है। कोई दावा नहीं कर सकता कि हमारी स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहने वाली है। कभी लगता है कि अजीत पवार सबसे कमजोर कड़ी है, 40 सीट दे दो इसका मतलब 5 सीट भी जीत ना पाएंगे, 35 सीट महाविकास अघाड़ी को चली जाएगी। कभी लगता है कि एकनाथ शिंदे को अगर 80 सीट दे दो तो इसका मतलब है कि वो 25 सीट भी जिता ना पाए, बाकी सारी सीटें इंडिया गठबंधन के पास चली जाए। और कभी लगता है बीजेपी जो कि सारे एनसीपी को तोड़ने से लेकर के शिवसेना की पार्टी को तोड़ने से लेके अवैध सरकार बनाने तक, भ्रष्टाचार के तमाम की तमाम बातों की जो जड़ है वो बीजेपी है। गुजरात महाराष्ट्र के बीच में जो भावनात्मक ये दूरी बढ़ी है उसके जड़ में बीजेपी है। तो इतनी निगेटिविटी के साथ में बीजेपी तो की स्ट्राइक रेट तो सबसे कम रहने वाली है। जितनी ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी उतनी ज्यादा सफलता महाविकास अघाड़ी को मिलेगी, ये आज नोट कर लिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि 155 क्या हो 175 पर लड़ ले, उतनी बड़ी सफलता महाविकास अघाड़ी को मिलेगी। ये हालात महाराष्ट्र के बने हुए हैं। सीटों की शेयरिंग को लेके बातचीत तो बस अब एक दो दिन में खत्म हो जाएगी, अब सब सारी चीजें हैं। अब मूल बात आएगी कि जो आज आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ कौन है, महाराष्ट्र के खिलाफ कौन है, महाराष्ट्रवादी कौन है, महाराष्ट्र का दुश्मन कौन है, अब इसी हिसाब से ये चुनाव होने जा रहा है जी। बिल्कुल, महाराष्ट्र प्रेमी कौन है, महाराष्ट्र द्रोही कौन है, ये बात कह रहे थे आज आदित्य ठाकरे। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक किताब बम का धमाका हो चुका है, और किताब है अनिल देशमुख की। और उस किताब में जब अनिल देशमुख देश के गृह मंत्री थे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, उस दौरान क्या कुछ हुआ और कैसे फंसाया जा रहा था अलग अलग नेताओं को, सबका जिक्र खुल करके उन्होंने वहां किया है। और ठीक चुनाव से पहले इस किताब के क्या मायने हैं, शरद पवार गुट से आते हैं, एनसीपी शरद पवार गुट से अनिल देशमुख। लेकिन इसी बीच इधर सुबह सुबह राहुल गांधी एक धमाका करते हैं, दिल्ली में उत्तम नगर पहुंचते हैं और वहां कुम्हारों से मिलते हैं, एक सलून में जाते हैं, ट्रिमिंग करवाते हैं। सलून के जो मुखिया हैं, जिन्होंने ट्रिमिंग की थी राहुल गांधी की, उनसे जो बातचीत हुई और उनसे डीवी लाइव की बातचीत अभी आपने सुन ली। लेकिन कुम्हारों के बीच जाकर उन कुम्हारों में से एक से जो बातचीत हुई है जरा वो भी सुन लेते हैं, और जल्दी से फिर उसके बाद आते हैं प्रशांत टंडन जी, प्रशांत टंडन जी के पास जी के पास पहले आता हूं, और फिर इस बीच उस वीडियो को हम आप तक पहुंचाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां इस मोहल्ले में जाकर, उत्तम नगर में जाकर, यह मोहल्ला नहीं एक बहुत बड़ा एरिया है, उस एरिया में जाकर राहुल गांधी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं दिवाली से पहले, इस पे बहुत कुछ आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये इसके तार क्या देश की सियासत से जोड़ सकते हैं, आप बिल्कुल जोड़ सकते हैं, जोड़ना भी चाहिए, वो सब उस पर भी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति से लेकर दिल्ली जो सेंटर पॉइंट है, प्रशांत टंडन जी क्या कुछ आप देख रहे हैं? प्रशांत जी, हम उस वीडियो को भी लाएंगे जल्दी से, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी की राजनीति पर चर्चा हो और बार बार चर्चा हो,
क्योंकि राहुल गांधी एक दूसरी राजनीति कर रहे हैं जहां झुकना पड़ रहा है। क्यों ना वो अखिलेश यादव हों, क्यों ना वो उद्धव ठाकरे हों, क्यों ना वो शरद पवार हों और क्यों ना वो ममता बनर्जी हों जो कहती हैं कि राहुल माय फेवरेट, तो ये कहने के लिए मजबूर तो राहुल गांधी कर ही रहे हैं। प्रशांत जी देखिए, ये झुकने वाली जो बात है राजनीति में राजीव जी, उसको मैं मानता हूँ कि ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है, पीछे कदम खींचना है रणनीतिक तौर पे, क्योंकि राहुल गांधी एक नेशनल पार्टी के नेता हैं और उनके उनका जो टारगेट हैं वो बड़े हैं, तो वो किसी क्षेत्रीय राजनीति में बाई इलेक्शन में उलझकर इंडिया गठबंधन को कोई एक नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहते। राहुल गांधी को ये मालूम है अच्छी तरीके से और इंडिया गठबंधन को भी मालूम है कि एक एक कहीं कोई एक निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा हो जाता है तो ये जो हिंदू मुसलमान वाला मीडिया है ये चलाता है कि गठबंधन में फूट पड़ गई। अभी जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है अभी भी वो गठबंधन में फूट ही चला रहे हैं। उधर की स्थिति ये कि छगन भुजबल के भतीजे चुनाव में खड़े हुए निर्दलीय, निर्दलीय वो भी नासिक से, तो वो उनके लिए खबर नहीं। तो राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि हम कुछ भी करेंगे तो ये जो मीडिया है और ये जो इनका प्रचार तंत्र है इसमें लग जाएगा, आधा झूठ आधी अफवाह और इसमें ये लग जाते हैं, तो इसलिए ये इसको कहूँगा कि रिट्रीट है। और दूसरे की देखिए, बीजेपी और बीजेपी का जो महाराष्ट्र का जो गेम है वो क्यों मुश्किल लगता है, देवेंद्र फडणवीस वहाँ पे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप देखिए कि सबसे पुरानी अलाई शिवसेना थी, अरेंजमेंट क्या था कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, पहली बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सेंट्रल स्टेज में आने के बाद ये अरेंजमेंट टूट गया जी। और जब ये अरेंजमेंट टूटा तो फिर तो दरार उसमें आनी थी और वो दरार फिर वो इतनी बड़ी कि पार्टियां तक तोड़ गए, तो महाराष्ट्र का चुनाव इन स्थितियों में इस परिस्थिति में हो रहा है। जहां तक राहुल गांधी के कुम्हारों की बस्ती में जाने की बात, अभी शकील जी बता रहे थे $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है राजीव जी इंडिया और चाइना के बीच में, और जिसमें चाइना के पक्ष में हम इम्पोर्ट नहीं करते, ज्यादा इम्पोर्ट करते चाइना से, चाइना जो एक्सपोर्ट कर रहा भारत में, सारे गणेश लक्ष्मी से लेकर की मूर्तियों से लेकर और जो लाइटिंग लगती दिवाली में सब चाइना से आ रही है। उसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है, जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं, जो कलाकार हैं, जो श्रमिक हैं, इनको भुगतना पड़ता है। तो विदेश नीति और आर्थिक नीति की मजबूती नीतियों से होती है, हवाई जहाज में आप सीढ़ियों पर कैसे उतरते इससे नहीं होती है। जी $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है भारत और चाइना का, इसको क्या माना जाए, सीढ़ी से उतरने में सहारा लेता है कौन, सहारा लेता है कौन नहीं लेता है, आजाद सीढ़ी से आप कैसे उतरते हैं उससे तय हो जाता है कि आप तेजी से उतर गए तो ट्रेड डेफिसिट उल्टा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने जा रहा। खुद विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हम चाइना के खिलाफ मिलिट्री अग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी इकॉनमी है, विदेश मंत्री भारत सरकार के कह चुके हैं इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड, तो इसलिए ये सब बातें हैं। लेकिन जो राहुल गांधी का संदेश है आज का, देखिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि महाराष्ट्र, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, महाराष्ट्र सामाजिक आंदोलनों की जगह है और वो हाल फिलहाल के आंदोलन नहीं है, पुराने आंदोलन है, सैकड़ों वर्ष पुराने आंदोलन है वहाँ पे। और मैं क्योंकि वहाँ मुंबई में रह चुका हूँ, टीवी चैनल वहाँ से लीड किया है, तो मुझे मालूम है कि वहाँ पे जो राजनीतिक चेतना है
वो बहुत ज्यादा है। और इसीलिए आप देखिए कि उस चेतना की वजह से बीजेपी का जो चिंता की बात है बीजेपी के लिए कि बीजेपी का दलित वोट लगातार वोट शेयर घट रहा है। वहां पे महाराष्ट्र में जो 15 सीटें इनको रिजर्व सीटें आई थी बीजेपी को 2014 में, वो अब 9 रह गई। कांग्रेस का या एनसीपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। हमको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि शिवसेना और बीजेपी पिछली बार चुनाव एक साथ लड़े थे, इस बार अलग अलग है। अब किस शिवसेना के फैक्टर को विधानसभा में जनता मानेगी ये हम 23 नवंबर को देखेंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि राहुल गांधी का संदेश कांग्रेस के नेता कैसे नीचे तक ले जाते हैं। यहाँ पे कुछ हमको कहीं कई बार लगता है कि शायद उसमें कुछ कमी है, क्योंकि ये इस तरीके की इंगेजमेंट राहुल गांधी के इस तरीके के संदेश हरियाणा के लिए भी थे और देश भर में थे। महाराष्ट्र में तो भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी हुआ था, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जी। तो उन सब चीज का इम्पैक्ट रहेगा। और जो कुल मिला के जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो जो अभी शायद प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि दिल्ली से लड़ेगी बीजेपी और मुंबई से लड़ेगी महाविकास आघाड़ी या इंडिया गठबंधन, और वहाँ पे शरद पवार जो है उसके एक मेन आर्किटेक्ट है, मेन की स्ट्रेटजिस्ट रहेंगे, और इसलिए बीजेपी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा वहाँ का चुनाव। जी राजीव जी, बिल्कुल। कैसे चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए महाराष्ट्र का चुनाव, उसकी व्याख्या कर रहे थे, समीक्षा कर रहे थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। और एक तरफ राहुल गांधी अपनी रणनीतियों के तहत आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, उसमें भी महाराष्ट्र पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। झारखंड में भी चुनाव है, महाराष्ट्र में भी है और कुछ उपचुनाव भी हैं, आप जानते हैं। जरा आना चाहता हूँ अनिल सिन्हा जी आपके पास, महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो किताब अनिल देशमुख जी की किताब आई है, ये कितना यहाँ असरकारी हो सकती है किताब? स्ट्रेंथेन करती है कि इनको कोई इनका ये कोई ये हो रहा है, इको हो रहा है। अब उनका जो भी ये मतलब अविश्वास है इनके खिलाफ, शिंदे और अजीत पवार के खिलाफ, वही उसी को पुष्ट करती है कि ये दोनों को ही वो फंसाना चाहते थे और उनके उनके खिलाफ किस तरह से। तो वो एक तो ये करने का है, दूसरा है क्या है कि जो हाई लेवल पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी अनिल देशमुख, नवाब मलिक इन लोगों को लेकर के, तो वो एक बड़ी पिक्चर जो है जो कि हाई लेवल में क्या क्या चला है और उसमें कैसे ये लोग इन्वॉल्व हैं उसका है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपको महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो दूसरे डेवलपमेंट्स हैं जिस पर लोगों की नज़र कम है उसकी ओर ले जाना चाहता हूँ। अभी क्या है उनकी स्ट्रेटजी बीजेपी की है कि जहां लड़ाई हो आपस में लड़े, मतलब शिवसैनिक के खिलाफ लड़े, तो ये जो है इसके लिए वो एनसीपी को अपने कैंडिडेट्स दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे को अपने कैंडिडेट्स दे रहे हैं ताकि उनकी जो सीटें हैं कोटे की वहां वो फाइट करें, मतलब उनके कंधे पर वो अपना अपनी बंदूक रख के चलाना चाहते हैं, और हारेंगे तो वो हारेंगे, उनके बीच फैसला होना है। जैसे अभी खबर एक आ रही थी, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा का नाम चल रहा है, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में है। उसी तरह से तासगांव में संजय काका पाटिल को जो हार गए, वो एमपी थे बीजेपी के, उनको टिकट अनाउंस कर दिया एनसीपी ने और वो एनसीपी के टिकट से लड़ेंगे वो सांगली में। इस्लामपुर में भी एक बीजेपी का जो लिया हुआ उधार लिया हुआ नेता है वो चुनाव लड़ रहा है, राणे के दूसरे पुत्र जो है नितेश, वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं कनकौली से, कोंकण से। तो उनकी स्ट्रेटजी ये है, उनका पूरा अविश्वास जो अनिल देशमुख की नैरेटिव जो पुष्ट करती है इस बात को कि इनको इस पे भरोसा नहीं है इन दोनों पे, और इनके कैंडिडेट वो चाहते हैं कि शिवसैनिक के खिलाफ लड़े, आपस में लड़के अपना जिनको हारना जीतना हो करें, बीजेपी अपना सेफ गेम निकल जाए।
तो वो कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि उनकी जो फाइट हो ज्यादातर कांग्रेस के कैंडिडेट से फाइट हो और ये दोनों अपना हार जीत का फैसला आपस में ये करें। तो ये एक बहुत मतलब बड़ी स्ट्रेटजी है। दूसरा, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा जिस पर कि आप लोग उस पर ध्यान दीजिए कि बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड दोनों को लूज नहीं करना चाहते, मतलब पूरी ताकत लगी हुई है, इसीलिए कि अडानी का जो फैक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसको जानना जरूरी है लोगों को। अभी मतलब 15-20 दिन हुआ है कि उन्होंने सॉल्ट पैन जो था जमीन कंजूर मार्ग और भांडुप में जो नमक की खेती की जमीन है वो अलॉट कर दिया, 255 एकड़ है शायद वो जमीन उनको दे दिया कि आप धारावी में जो रीडेवलपमेंट कर रहे हैं उनके लिए वो आप वो इलाका आपको वो जमीन दे रहे हैं। एक तो मैनग्रोव्स को खत्म कर रहे हैं पूरी तरह से, आरे कॉलोनी का विवाद चल ही रहा है जो कारशेड वाला है वो ऑलरेडी चल रहा है। तो बॉम्बे को मतलब ये जो लूट जारी है मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे और स्लम रीडेवलपमेंट या और जो ऐसे स्कीम से मेट्रो वाला ये क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स इसके नाम पे पूरा ठेके मतलब सिर्फ ठेका बांट रहे हैं, तो इसलिए वो किसी तरह से उसको लूज नहीं करना चाहते हैं। और झारखंड में वही रिसोर्स का मामला है। दोनों में फर्क यही है कि महाराष्ट्र में ये जो आदित्य ठाकरे ने जो कहा महाराष्ट्र प्रेमी और महाराष्ट्र द्रोही वाला मामला वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये बात अंत में मतलब जब आप देखेंगे कि जब चुनाव अपने पूरे क्रेसेंडो पे होगा तो उस समय ये बात जो महाराष्ट्र मराठी अस्मिता का है और गुजराती बनाम लूट ये दोनों का मामला बहुत ही गंभीर होने वाला है और वो मेन नैरेटिव बनेगी। झारखंड में ये जो है ये लैग करेगी इंडिया गठबंधन, उसको फाइट करना है इसूच के आधार पे ही। ट्राइबल वाला मामला रहेगा हेमंत सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा का, लेकिन ये बिग नैरेटिव को स्टेट आइडेंटिटी वाली नहीं रहेगी। तो ये दोनों फर्क है, लेकिन एक चीज अंडरलाइन कर लीजिए कि किसी भी कीमत पर ये दोनों राज्य उनका यहाँ हरियाणा से ज्यादा स्टेक है, यहाँ स्टेक है पैसे का सबसे ये बिग स्टेक और दूसरा है क्या कि स्टेट तो दोनों रिसोर्स वाल के हिसाब से बड़े स्टेक है। तो इसीलिए कोशिश जो है उनकी जबरदस्त रहेगी। इतना आसान नहीं होगा इंडिया गठबंधन को इस चैलेंज को मीट करना जो पैसे की जो थैली खुलने वाली है उसका, ये भी आप समझ लीजिए। सारी नैरेटिव के बावजूद इस पर जरूर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए कि क्या स्टेक्स है और क्या लूट है, इसके बारे में लोगों को बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्या स्टेट्स हैं और क्या लूट है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ दोनों ये हैं, अदानी भी हैं अंबानी भी हैं और स्टेक्स काफ़ी हैं। और दूसरी तरफ से अदानी साहब को झारखंड चाहिए, उड़ीसा उनके हाथ में है, छत्तीसगढ़ उनके हाथ में है, अब झारखंड चाहिए। तो क्योंकि मिनरल स्टेट है झारखंड, आदिवासी एरिया आप जानते हैं, और यहाँ से क्या कहानी उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में बीजेपी ले जाना चाहती है, या दूसरे जो बीजेपी के सामने जो चुनौतियाँ पेश कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता, वो उन चुनौतियों को और मजबूती के साथ पेश करेंगे, ये सब देखना होगा। राहुल गांधी की बात यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी एक अलग राजनीति इस देश में कर रहे हैं। उसी राजनीति के तहत आज राहुल गांधी उत्तम नगर पहुंचे दिल्ली के, और जहां कुम्हारों से उन्होंने मुलाकात की। बाद में हमारी टीम उन्हीं कुम्हारों के बीच पहुंची और क्या कुछ बातचीत हुई है जरा ये देख लेते हैं, और फिर सीधे समीर जी के पास आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा क्या जी, सुबह राहुल गांधी आए थे आपसे मुलाकात करने के लिए, तो कैसा लगा आपको, क्या पहचान पाई आप उनको? टीवी में देखते थे, पहचान लिया मैंने। पहले सबसे पहले जब उन्होंने बैल बजाई मेरा आगे की तरफ ध्यान था, सामने देखे तो राजीव गांधी राहुल गांधी थे। तो वो कहने लगे अम्मा जी मैंने आपसे कुछ दिए वगैरह दिवाली के मेरे को भी दिखाओ और मेरे को सिखाओ। अच्छा। और मैं थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि पहली बार देखी, इतनी पुलिस देख रहे थे और उनके बॉडीगार्ड थे। तो उन्होंने कहा घबराइए मत, आप है ना मेरे को दीवे बनाने सिखाओ। मैंने कहा फिर मैं अपने तरीके से सिखाऊंगी, आपका तरीका नहीं चलेगा मेरे यहाँ। मैंने उनके पास मिट्टी लेके मिट्टी डाल दिया, ये अभी भी पड़ी है, कुछ पीछे फेंक दिया।
तो मैंने डंडे से उससे मिट्टी तड़वाया, फिर छनवाया, फिर भिगवाया। अच्छा। उन्होंने मिट्टी गूंद दिया, फिर कहने लगे क्या करना। मैंने कहा चलो चाक के पास, मेरे वहाँ चाक के पास ले गई, फिर उस पर पलाई पे डाल के मिट्टी को उसको फिर गूंदा। मैंने कहा एक बार और गूंदो इसको, जितना मिट्टी अच्छा बन जाएगा, फाइन बनेगा, उतने फाइन बर्तन बनेगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने जिससे जैसे जैसे मैंने बताया वैसे ही उन्होंने बनाया, बना के मिट्टी है। फिर मैंने व्हील पे किस जगह बनाया उन्होंने, जरा अंदर है मेरा व्हील, अंदर दिखाएंगे, अंदर दिखा सकते तो। यहीं से होते हुए गए हैं राहुल गांधी ये। अच्छा ये कहाँ, यहाँ से? अच्छा यही राहुल गांधी ने क्या बनाया, दिया क्या? दीवा बनाए, दीवा में दिखा सकते हूँ जो दीवा बनाया है। दिखाइए दिखाइए कौन सा है ये, तीन दिए उन्होंने बनाए। अच्छा ये ये राहुल गांधी ने बनाए ये दिए, एक मम्मी के लिए। अच्छा एक प्रियंका, अच्छा उन्होंने अपना साइन भी किया वॉइस पे, और एक अपने शायद अपने घर के लिए। अच्छा ये तीनों दिए, एक बार ही दिखाइए दोबारा, ये जो अलग अलग दिखाइए, इस पे लिखा हुआ है ना। हाँ इसको पका दूंगी मैं। अच्छा आर जी रागा, आर जी आर जी है। और ये एक पॉट बनाया। अच्छा सिग्नेचर है। हाँ हाँ किस पे? अच्छा उस वहीं बैठे वो उसी साइड में, मैंने उनको सिखाया और बनाया। तो उनको लगा कि हाँ भाई मैं जितना ध्यान से बता रही हूँ उतने ही ध्यान से उन्होंने काम किया, उतनी बारीकी से देख करके बनाया, तो बहुत अच्छा लगा। तो क्या ऐसा अचानक आपके पास पहुँचे या कुछ बात थी? नहीं कोई बात नहीं थी मेरे को। तो सुन रहे थे आप, यहाँ राहुल गांधी सीधे पहुँचे थे और इस जो महिला कुमार हैं इनके पास, और इन्होंने भी जैसे एक स्टूडेंट को टीचर सिखाता है वैसे इन्होंने कहा कि मैं अपने हिसाब से सिखाऊंगी, और अपने हिसाब से इन्होंने सिखाया। शुरुआत में अगर आप इस वीडियो को गौर से देख रहे होंगे तो आपको याद होगा कि यहाँ पर साफ साफ वो कह रही हैं कि मैंने कहा कि मैं अपने हिसाब से सिखाऊंगी, फिर चलो वहाँ और वहाँ जाओ मिट्टी उठाओ, फिर मिट्टी को और वो करो मिलाओ और मिलाओ, ये सारी चीज़ें करने के बाद ये तीन दिए और एक पॉट ये बता रही हैं, दिखा रही थी, अभी आपने देख लिया। डीबी लाइव से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने जो बातें बताई हैं वो हम आप तक पेश कर रहे थे। तो देश की सियासत कैसे मोड़ ले रही है, किस दिशा में जा रही है, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसके बहुत बड़े कर्णधार आगे आने वाले समय में माने जाएंगे, ये तय मानिए आप। सीधा आना चाहता हूं समीर जी आपके पास, और यहां से दिल्ली से महाराष्ट्र की तरफ अगर जाते हैं बढ़ते हैं तो क्या कुछ आपको दिखाई देता है राहुल गांधी की राजनीति दिल्ली में? चुनाव सिर पे है और उससे पहले कुम्हारों के बीच जाना, सलून में जाना, और उधर उसके बाद आकर सीईसी की बैठक में आगे की रणनीतियां तय करना, और उधर महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो तो उस पर तो हम चर्चा कल भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? राजीव जी चुनाव में जो कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण दिख रही हैं और अनिल देशमुख की जो किताब आई है, हालांकि इस तरह की बातें वो अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कही भी थी, तो ये उसी तरफ जा रही हैं जिस तरफ लोकसभा चुनाव का रुख हम लोग देख रहे थे, यानी मुद्दों को अगर देखते हुए उस समय मुद्दे जो प्रमुख रूप से हमें दिखाई पड़ रहे थे, आरक्षण था, संविधान था, 400 पार का नारा था, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी था कि किस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जो जांच एजेंसियां हैं उनके जरिए, और उसमें संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग भी है, इन सब के जरिए किस तरह से इनका इस्तेमाल करके इन्हें विपक्षी नेताओं को एक तरह से परेशान करने की कोशिश की जाती है, ये मुद्दा जोर शोर से उठा था, और तमाम ऐसे उदाहरण शुरू से लेकर अंत तक रहे, और ठीक चुनाव के समय में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के एक प्रमुख उदाहरण इस तरह से थे भी कि किसी के खिलाफ कोई चीजें मिल नहीं रही हैं, फिर भी महीनों महीनों ये लोग जेल में हैं।
तो ये मुद्दा भी बहुत जो पब्लिक में इसका भी इम्पैक्ट जरा सा नहीं था, बहुत ज्यादा था और लोगों को लग रहा था कि वास्तव में अगर कोई भ्रष्ट है, कोई खराब है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और दूसरी ओर ये भी है कि वो भ्रष्ट आदमी आपकी पार्टी में आते ही सारे क्लीन चिट पा जाता है और वो फिर बिल्कुल बेदाग साफ हो जाता है। ये सारी चीजें उस चुनाव में इसने भी जो प्रमुख मुद्दे थे जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया उनमें से एक मुद्दा था। महाराष्ट्र उसका एक बड़ा उदाहरण था। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता तक और उनके जो आइडियोलॉग्स हैं वो लोग भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि अजित पवार को शामिल करना पार्टी में उसकी वजह से हम हार गए। बिल्कुल इसको देवेंद्र फडणवीस तक इस बात को कह चुके हैं और पार्टी में इस बात की चर्चा है। न केवल ये बल्कि सरकार बनाने के लिए जिस तरह की उत्सुकता उत्कंठा दिखाई भारतीय जनता पार्टी ने, निश्चित तौर पर उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। महाराष्ट्र बड़ा राज्य है और वहां पर एक मुंबई है, वहां उसका अपना एक महत्व है, एक व्यावसायिक राजधानी है देश की एक तरीके से। तो इन सारी चीजों के लिए महाराष्ट्र में किसी भी कीमत पर सरकार बनाने के लिए कितनी उतावली थी ये दिखाई पड़ता है कि अपने तमाम जो सिद्धांत हैं उनसे समझौता करना, और सिद्धांत तो खैर अब क्या ही रह गए, जिन पर वो पहले रहा करती थी, जिनकी वो चर्चा करती थी, पार्टी विद डिफरेंस वाली बात। तो ये सारे मुद्दे अभी भी उसी तरीके से और उस तरफ आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। अब अनिल देशमुख की किताब में उन्होंने और क्या क्या लिखे हैं, लेकिन बिल्कुल अब ये साफ दिखाई पड़ रहा है, जिसका शुरू में आपने कह दिया कि एक किताब बम के जरिए वो आ रहे हैं, डायरी ऑफ अ होम मिनिस्टर, और होम मिनिस्टर की मेज से सारी फाइलें उस तरह की गुजरती हैं जिसमें इस तरह ये सारी चीजें होती दिखती हैं। तो एक ऑथेंटिक उनके पास जो जानकारी है, जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं, ये सब चीजें उन सब आरोपों को पुष्ट कर रही हैं जो उन पर लगाते रहे, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा और एनडीए को उठाना पड़ा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भी जो बात हो रही थी कि एनडीए गठबंधन यानी महायुति चुनाव लड़ रही है दिल्ली से, हालांकि संजय राउत उसको कह रहे हैं कि वो गुजरात से चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक बार मान लेते हैं कि वो दिल्ली से लड़ रही है, क्योंकि दिल्ली का मतलब पिछले 10 साल से यही हो चुका है, यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, कि वो चलती कहां से है, दो लोगों से चलती है और दोनों लोग गुजरात से आते हैं। तो ये संजय राउत उसको गुजरात से कहते हैं, तो उनका आशय यही रहता है। तो एनडीए चुनाव लड़ रही है या उसकी सारी चीजें तय हो रही है दिल्ली से, और इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी जो चुनाव लड़ रहा है महाराष्ट्र में, उसकी सारी चीजें तय वहां हो रही है और उसकी जानकारी दिल्ली में दी जा रही है और दिल्ली से सलाह मशविरा चल रहा। अपने आप में ये भी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है जिसको महाराष्ट्र अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। लगातार एमबीए के नेता उसको उठा भी रहे हैं और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, उसको लेकर जो वहां पर हंगामा मचा था, जो अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है, उसको बार बार महाविकास अघाड़ी के नेता उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के सिलसिले में भी और छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के सिलसिले में भी। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो एनडीए कितनी मजबूत है आपसी घटक दलों में उसको भी दिखा रहे हैं, महाविकास अघाड़ी कितनी मजबूत है उसको भी दिखा रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये जो भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगता है कि सहयोगी दलों को वो खत्म करने की रणनीति पर काम करती है। एक तरफ तो वो विपक्षी सहयोगी दलों के साथ विपक्ष से लड़ाई लड़ रही होती है और दूसरी तरफ एक लड़ाई वो अपने भीतर लड़ रही होती है कि सहयोगी दलों को खत्म करके उस राज्य में वो अकेली कैसे बड़ी पार्टी बने, जिसका उदाहरण शुरू से अंत तक है और महाराष्ट्र में तो इतना साफ उदाहरण है कि बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। अब दोनों ही पार्टियां जो घटक दल की हैं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो चाहे एनसीपी की अजीत पवार, इस बात से आशंकित है। कम सीटों पर चुनाव लड़ना, यानी बिल्कुल ये हो गया कि अब एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने का अब दोबारा वो सपना तो चकनाचूर हो गया, कहीं से कोई स्थिति नहीं। अगर बीजेपी महायुति इस स्थिति में होती भी है कि वो सरकार बनाएगी, तो एकनाथ ज्यादा सीटें रहने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देंगे, ऐसा लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी, तो उनको भी लग रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं को एनसीपी ज्वाइन कराकर, एनसीपी को कम सीटें तो दी ही गई है, बीजेपी के नेताओं को कहा जा रहा है कि आप एनसीपी ज्वाइन करिए, और नेता खुद ही कह रहे हैं कि हम अपने नेताओं के आदेश पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो एनसीपी के अपने कोटे की जो सीटें मिली हैं उसमें भी एनसीपी के विधायक नहीं होंगे, वो बीजेपी के विधायक होंगे, तो उनको भी ये साफ लग रहा है कि हम किस तरह से, हमारा अस्तित्व अब कितने संकट में है। लोकसभा चुनाव में वैसे ही वो समाप्त प्राय हो गए। तो ये दोनों ही पार्टियां
इस आशंका में भी हैं कि उनको खत्म करने की कैसी साजिश रची जा रही है। तो ये सारी चीजें एनडीए को अंदर से काफी कमजोर किए हुए हैं और ये कमजोर है भी, जैसे चर्चा हो रही थी शायद अनिल सिन्हा जी ने कहा या प्रेम कुमार जी ने कि आप वहां शिवसेना वर्सेस शिवसेना के लोगों का जो कैडर है उनका, जो अब अलग हो गए हैं लेकिन एक मूल कैडर तो बिल्कुल एक जैसा ही है, उनके बीच लड़ाई कराने की जो बीजेपी की साजिश है। तो ये सारी चीजें होता क्या है कि लोगों को कई बार नहीं पता चलती हैं, पर धीरे धीरे अब ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। वहां घटक दलों में भी ये बात स्पष्ट है, बीजेपी के नेताओं में भी स्पष्ट है और महाविकास अघाड़ी के लोग इस चीज को, जिनको नहीं भी पता है उनको बार बार बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये तक आरोप लगाए वो सही कितना था गलत कितना था कि उद्धव ठाकरे अमित शाह के संपर्क में है, संजय राउत अमित शाह के संपर्क में, जिसके लिए संजय राउत ने सीधे अमित शाह को कहा कि वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो ये सब चीजें ये है कि जब आप आमने सामने की लड़ाई, इस ये सारी चीजें ये बता रही हैं कि आमने सामने की लड़ाई में इसका मतलब आप कमजोर हैं और वो कमजोरी आप निकाल रहे हैं कि कैसे आप जो कॉन्स्पिरेसी की जा सकती है, कैसे षड्यंत्र किए जा सकते हैं उनके जरिए, इसको तोड़ दो उधर तोड़ दो, एक नाम के चार उम्मीदवार खड़े कर दो, ये सब चीजों पर अगर आप उतर आए हैं तो इसका मतलब एक खुद से अंदर से आप अपने को कमजोर दिखा रहे हैं, साबित कर रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद वहां की जो स्थिति है, जिन तमाम मुद्दों पर वहां के लोकल लोगों में नाराजगी रही है वो अभी भी प्रिवेल कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई माहौल वहां पर बदल गया है। दूसरी बात, ये जो पब्लिक कनेक्ट वाली बात राहुल गांधी की है, अभी आज भी हम लोगों ने देखा और लगातार और खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ये इस तरह की लगातार चीजें आ रही है। एक राहुल गांधी ने खुद भी कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा ने सबसे ज्यादा तो मेरे में बदलाव लाया, ये उन्हीं सारे बदलावों का नतीजा है। ये उसको लोगों के बीच में जिस तरह से उनको जोड़ने का काम कर रही है तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इंडिया गठबंधन के लिए। और इंडिया गठबंधन की लगातार मजबूती, चाहे जो भी नेता हो, कितना भी फेक न्यूज फैलाई गई चाहे जो किया गया, लेकिन लगातार नेताओं के बयान गठबंधन के पक्ष में आ रहे हैं, अखिलेश यादव से लेकर चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे जम्मू कश्मीर में, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि गठबंधन के घटक दलों के बीच में आपसी खींचतान भले हो सकती है कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन गठबंधन के नेता कितनी मजबूती से हैं और उनके यहां नेताओं के स्तर पर जो फैसला हो रहा है उसको लोग मान रहे हैं। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह कि गठबंधन के नेताओं ने इसका फायदा लोकसभा चुनाव में देखा है। अखिलेश यादव की जो बात है ये सही बात है कि कई बार कार्यकर्ताओं के बीच में या उनके जो प्रवक्ता जब डिबेट्स वगैरह में बैठते हैं तो ये बातें करते हैं, लेकिन भली भांति उनके कार्यकर्ता भी जानते हैं और इस बात का उनको एहसास है कि बिना कांग्रेस पार्टी के या बिना गठबंधन के ना तो वो 37 सीटें पा सकते थे, ना कांग्रेस 6 सीटें पा सकती थी और न ही इतनी मजबूती के पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकती थी, इस बात का एहसास है। तो निश्चित तौर पर ये मजबूती अब ये लगातार अगर बनी हुई है तो इसका फायदा महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी इंडिया गठबंधन को निश्चित तौर पर मिलेगा। और एनडीए गठबंधन इस फैक्टर पर, ये सारी चीजें, इन सारे मुद्दों पर वो जरा सी नहीं बहुत ज्यादा कमजोर हैं, वो कमजोरी लगातार दिखाई पड़ रही है। पार्टी के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और सबसे बड़ा जो एक आरोप, गंभीर आरोप ये कि वहां की दोनों क्षेत्रीय पार्टियों को पहले तो तोड़ा उन्होंने और तोड़ने के बाद अब उनको धीरे धीरे खत्म करने की जो कोशिश हो रही है। तो ये सारी चीजें महाराष्ट्र की अस्मिता से जुड़ी हुई है। इस फ्रंट पर बीजेपी वहां काफी कमजोर है और एक तरह से महाराष्ट्र के लोग इस मामले में बीजेपी को एक षड्यंत्रकर्ता के रूप में देख रहे हैं और वो साफ दिखाई पड़ रहा है लोकसभा चुनाव में भी और इस समय की जो स्थितियां हैं उसमें भी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो गतिविधियां हैं और साफ साफ यहां दिखाई दे रही हैं, एक तरफ राहुल गांधी की राजनीति, दूसरा अगर यहां से बाहर निकलें महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है। किताब आई है अनिल देशमुख की, उस किताब से क्या कोई असर इस चुनाव पर पड़ेगा, ये सब भी, कितने लोग इस किताब को पढ़ेंगे, कितने लोग इस किताब
को समझेंगे और कहां तक इसका असर होगा, ये सब कुछ सामने आए या ना आए, लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 3 साल से जो महायुति की सरकार चल रही है, ये सरकार कहीं ना कहीं छीनी हुई सरकार है और इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। और सबसे बड़ी बात कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना, एनसीपी वर्सेस एनसीपी, इन दोनों को लड़ाकर क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा, एक बहुत बड़ा ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब शायद 23 तारीख को आए, लेकिन उससे पहले अभी बहुत कुछ चलना आगे बढ़ना बाकी है। अब तो सरकारी मीडिया भी कह रहा है कि कुछ सीटों पर पेंच फंसा हुआ है महायुति में। अगर सरकारी मीडिया ये बात कह रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ नहीं, बहुत ज्यादा पेंच है। क्या अमलेंदु जी सही कह रहा हूं? अमलेंदु जी सुन रहे हैं? बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, यहां तक फंसा हुआ है कि एकनाथ शिंदे अलग भी हो सकते हैं इस महायुति से, अगर उनकी शर्तें बीजेपी नहीं मानती है। यहां तक फंस गया है और बताया जाता है कि शायद उनको भी, एकनाथ शिंदे को भी कुछ डोज दी गई है अमित शाह की तरफ से। ऐसी चर्चाएं सत्ता के गलियारों में चल रही है, अब कितना सही है कितना गलत है हमें नहीं मालूम है, लेकिन उनको डोज दी गई है और कहा गया है कि आपको 3 साल हमने मुख्यमंत्री बना के रखा, आपकी मुख्यमंत्री बनने की हैसियत नहीं थी, हमारी वजह से आप बने मुख्यमंत्री और आपको हमारी शर्तें माननी पड़ेंगी। एकनाथ शिंदे जो है वो बाबा दबाव ये दे रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से ज्यादा सीटें उनको चाहिए लड़ने के लिए। उद्धव ठाकरे से ज्यादा सीटें अगर चाहिए एकनाथ शिंदे को लड़ने के लिए तो बीजेपी कहां लेगी? तो बहुत चल रहा है, बताया जाता है कि 100 के आसपास सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत ज्यादा तकरार चल रही है और तीनों अड़े हुए हैं, अजीत पवार भी अड़े हुए हैं, बीजेपी भी अड़ी हुई है और एकनाथ देखना है कि ये की चलती है और क्या बीच चुनाव में महायुति टूटता है या फिर जाते हैं कुछ समझौते के साथ। और खुद देवेंद्र फडणवीस जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ सीटों पर चल रही है हमारी तकरार चल रही है, उस पर बातचीत चल रही है। जब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि कुछ सीटों पर बातचीत चल रही है तो कुछ सीटों पर बातचीत चल रही है तो फिर बातचीत कब तक चलती रहेगी? भाई आप तो बता रहे थे कि आपका सब कुछ ठीक ठाक है और आपका महायुति एकदम बहुत मजबूत है और 3 साल से आप सरकार में है, तो जब आप 3 साल से सरकार चला रहे थे और बार बार ये दबाव डाला जा रहा था एकनाथ शिंदे की तरफ से कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाए, तो आपने पहली सारी चीजें सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर ली? तो ये अब बीजेपी की कमजोरी भी सामने आ रही है राजीव जी, और ये भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी का पेट जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, वो अपने भी साथियों को सबको हजम करना चाहती है, तो अब वो एकनाथ शिंदे को भी हजम करना चाहती है और अजीत पवार को भी हजम करना चाहती है, और ये दोनों भी समझ गए हैं कि बीजेपी इनको हजम करना चाहती है, उनकी पूरी पार्टी को हजम करना चाहती है। तो असल में राजीव जी देखा जाए तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार जो है वो बीजेपी के साथ रहते हुए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इनके सामने अपने अस्तित्व का संकट है कि बीजेपी से किस तरीके से खुद को बचाएं, अब ये इनके सामने संकट है। तो अब देखना ये कि ये लड़ाई जो है किस हद तक पहुंचती है और कहां जाकर कि ये डोर जो है वो टूटती है राजीव। इस चुनाव से ही नहीं, इस चुनाव के और खासकर बीजेपी के पिछले इतिहास को अगर पलटकर देखें तो कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, पेट ही बड़ा नहीं है बल्कि भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है बीजेपी को, इसलिए कई सारे दलों को खा चुकी है बीजेपी। शकील अख्तर जी बेहतर बताएंगे कौन कौन नहीं है। आप नवीन बाबू नाम तो सुना होगा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नवीन बाबू कहाँ हैं आजकल, दिखाई नहीं देते। वैसे ही थोड़ा उनके पड़ोसी राज्य में चले जाइए तेलंगाना, वो भी थे, वो साहब कहाँ हैं, टीआरएस से बीआरएस बना लिया, कहाँ हैं आजकल। आप ऊपर आइए और इधर पंजाब में देखिए शिरोमणि अकाली दल को, ऐसे कई हैं। और अभी जेजेपी को देख लीजिए, साथ गए थे 10 सीटों के साथ, हरियाणा में सरकार बनवाई थी पिछली बार 2019 में, अब कहाँ हैं दुष्यंत चौटाला जी, दिखाई नहीं दे रहे आजकल। तो ऐसे ही हो सकता है कल को शिंदे साहब का भी हाल हो जाए, हो सकता है अजीत पवार तो फड़फड़ा रहे हैं, वो बहुत परेशान हैं, अनिल सिन्हा जी बहुत बेहतर जानते होंगे, लेकिन अजीत पवार साहब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और शिंदे साहब कब किधर हो जाएंगे पता नहीं, वो भी कई बार गुप्त खाने मीटिंग चल रही है उनकी भी उद्धव ठाकरे से, ये भी सुनने में आ रहा है। ये बातें भक्तों को पसंद नहीं आएंगी लेकिन सच्चाई यही है। शकील अख्तर जी, की पूरी समाजवादी पार्टी को खा गई, उन समाजवादियों को खा गई बीजेपी, जिन समाजवादियों ने बीजेपी को उस टाइम जनसंघ हुआ करती थी देश की मुख्य धारा में लाया, लोहिया जिनके गैर जो नेहरूवाद जो था उनका, गैर कांग्रेसवाद जो था उनका, उसमें वो इतने ज्यादा अंधे हो रहे थे कि उन्होंने 1967 में संविध सरकारें बनवाई,
और उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि आज देश में कहीं पे भी नहीं है, जो बचे खुचे नीतीश कुमार हैं उनके नाम से चला रहे हैं वो नीतीश कुमार भी ये अभी जो विधानसभा के चुनाव आएंगे वह खत्म हो जाएगी। हमें कई बार आश्चर्य होता है कि समाजवादियों को तो थोड़ा सा बीजेपी को सम्मान देना चाहिए था। वो जयप्रकाश नारायण ही थे जिन्होंने 1977 में इनकी केंद्र में पहली सरकार बनाई थी, वो राम मनोहर लोहिया ही थे जिन्होंने 1967 में कई राज्यों में इनकी सरकार बनाई थी। इस 67 से पहले तो बीजेपी को उस टाइम जनसंघ कहलाती थी, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था, हाशिए की पार्टी हुआ करती थी। मुख्य धारा में लाने वाले तो लोहिया जी थे, आज वो लोहिया जी को भी याद नहीं करती है, जयप्रकाश नारायण को भी याद नहीं करती है। अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने के लिए जाने वाले थे, अभी लखनऊ में नहीं जाने दिया, जयप्रकाश का जन्मदिन था, अपने घर में वहीं उन्होंने उनको माल्यार्पण किया, घर से ही नहीं निकलने दिया गया। अखिलेश यादव को खेत में रख दिया गया काहे के लिए, जयप्रकाश के खिलाफ। तो ये जो आपने नाम गिनाए ये नाम तो बहुत सारे हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार तो बहुत बहुत छोटे प्लेयर हैं, बड़े बड़ों को खा गए ये तो, रामविलास पासवान कोई नहीं बचा, जगन रेड्डी आज उनके ऊपर वही आरोप लगा रहे हैं नायडू साहब, इतना बड़ा आरोप और झूठा आरोप निकला, उसमें कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, अभी तक तो गिरफ्तारी हो जाना चाहिए थी। नकली प्रसाद खिलाया आपने जिसमें चर्बी मिली हुई थी, एक दो तो अरेस्ट होना चाहिए थे उसमें, कोई छोटा मामला था नहीं, लेकिन सब भावनात्मक सब प्रतीकात्मक सब लोगों को बहकाना बरगलाना, और उसके बरक्स आप देखिए अभी आपने बताया कि एक अच्छी टीचर की तरह वो महिला कुमार जो है कह रही थी, डीवी लाइव को बता रही थी, और लास्ट में एक अच्छी टीचर की तरह ही उसने एक अच्छे स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी दे दिया। कहा उन्होंने कि उन्होंने एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सब सीखा और बनाया और वो दिखाया। देखिए असली चीज जो होती है वो तो निर्माण ही होती है, मैन्युफैक्चरिंग ही होती है। एक पता नहीं कहां से ये मोदी जी का और जनसंघ का और आरएसएस का शब्द नहीं है, ये परजीवी पेरासाइट लिख के दे दिया होगा उन्होंने, मोदी जी यूज कर गए हैं दो एक बार, उन्हें शायद पता भी है कि नहीं मालूम कि परजीवी पेरासाइट कहते कैसे हैं। परजीवी पेरासाइट वो होता है जिसका निर्माण से कोई संबंध नहीं होता है, दूसरों की मेहनत पर आश्रित। वो कौन लोग हैं इसकी देश की जनता अच्छी तरह समझती है, देश की जो आम जनता है हमारी वो श्रमजीवी है, मेहनतकश जिसे कहते हैं। ये जो आप अभी कुमार का दिखा रहे हैं, ये महिला कुमार का दिखा रहे हैं, कितनी सीधी सादी, लेकिन उसको सब मालूम है। वो कहती है मिट्टी फाइन होगी तब चीज फाइन बनेगी, वो जानती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये कहते क्या हुआ, अरे देश में यही तो हुआ कि ये कुम्हार की महिलाएं जो हैं ये इस बात को समझ पाई है, वो चीजों का स्तर को समझ रही है वो। और आप देखिए कि राहुल गांधी का ये तो आपने दिखाया अभी, लेकिन ये कोई अकेला तो एक है नहीं है, राहुल गांधी तो ऐसी कई जगह गए जिस काम को लोग हाथ नहीं लगाना चाहते, यहां तो लोग अपना जूते को हाथ लगाना नहीं चाहते, राहुल दूसरे का जूता सी रहे थे, दिया बनाना जूता बनाना, बड़ईगिरी मेज बनाई थी उन्होंने, सबसे बड़ा निर्माण जो है सबसे बड़ी कलात्मकता जो है वो कारपेंट्री मानी जाती है सबसे बड़ा, और कुली बने, बोझा भी उठाया, धान की रोपाई भी करी, क्या क्या बताएं। तो ये सब जो है राहुल को एक अच्छे इंसान के तौर पे प्रतिष्ठित करते हैं। तो ये सारी बहुत सी चीजें, अब जो जिक्र हो रहा है महाराष्ट्र का और झारखंड का, तो देखिए एक सच्चाई सबसे बड़ी ये है कि इस टाइम एनडीए परेशान है और जो अपर हैंड है वो यूपीए का है, लेकिन इस अपर हैंड को आखिरी आखिरी तक जब 23 नवंबर आएगी तब तक ले जाना होगा। आज की तारीख में एक शब्द है, पहले भी होता था, आज ज्यादा यूज होता है,
मैच फिनिशर जी। मैच फिनिश आप कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो जो है इस बार यूपीए को करके दिखाना होगा। देखिए आज भी हमेशा कहा जाता है, पहले भी कहा जाता था, जो जीता वही सिकंदर। एंड ऑफ द डे स्कोर बोर्ड पे क्या टंगा है, आपने कितना स्कोर किया, जीतना चाहिए। और अब हमें लगता है कि सबक सीखा होगा इन लोगों ने और उन्हें यह भी मालूम होगा कि बीजेपी और या मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें जीत चाहिए खाली। उनके लिए किसी भी, जो गांधी जी कहते थे, साधन उसका महत्व नहीं है उनके लिए कोई भी। तो अब कांग्रेस को भी समझना है, शिवसेना को भी समझना है, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे की, और शरद पवार को भी, कि वो अपनी सारी की सारी चीजें, रैंक और फाइल इस तरह रखें कि जिसमें कोई गड़बड़ी होने की आशंका न हो। और यही झारखंड में करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब जो है इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव होने वाले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, हर चुनाव वैसे इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बिहार का और देश की राजधानी दिल्ली का, और देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि यहां पे अलग अलग लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा हो गया, उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, हम ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे क्योंकि सब कुछ अच्छा हो गया है। लेकिन देखिए जहां पे जो नेता है जो अच्छा कर रहा है उसको करने दीजिए, और राहुल इस बात को समझते हैं। यहाँ पे आए थे अभी अजय राय जो वहां के पीसीसी के अध्यक्ष है, कल ही तो आए थे, और अविनाश पांडे जो वहां के इंचार्ज है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दी सारी बातें कि यहां पे सीटें कितनी मिलना है ये महत्वपूर्ण नहीं है, यहां महत्वपूर्ण ये है कि संविधान की रक्षा कैसे होगी। बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में तनाव बढ़ा रही है, बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में लोगों को बांटना चाह रही है, उसे किस तरह से हम पीछे धकेल सकते हैं। सही बात है, 9 सीटें हैं, कोई ज्यादा नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर लीड समाजवादी पार्टी ले रही है, अखिलेश ले रहा है, अखिलेश ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सब मिलकर साथ चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी, अच्छी बात है, लड़िए। और कांग्रेस ने भी खुले दिल से उनका समर्थन किया है, इससे देखिए कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कि कांग्रेस नहीं लड़ रही है चुनाव तो कांग्रेस को कोई फर्क पड़ जाए। कई चुनाव ऐसे हुए उत्तर प्रदेश में, 35-40 साल हो गए वहां, तो कांग्रेस हारी, एक भी सीट नहीं मिली, कमजोर हुई, उससे कुछ नहीं हुआ। अभी लोकसभा में मिलकर लड़े, अच्छा लड़े, 6 सीटें जीत के आए। और टारगेट जो है, अभी अजय राय ने भी यही कहा और अविनाश पांडे ने भी कहा, 2027। सही टारगेट वही रखना चाहिए, 2027। इसी तरह बिहार में अगला विधानसभा चुनाव रखना चाहिए, वही टारगेट रखना चाहिए। देखिए वहां पे तेजस्वी ने झारखंड में अपने पांव पीछे खींचे ना, वह शुरू कर दिया था मीडिया ने चिल्लाना कि तेजस्वी अलग से चुनाव लड़ लेंगे वहां पे झारखंड में। लेकिन वो भी समझ रहे हैं कि झारखंड में कितनी सीटें मिलती हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में हमें किस तरह जीतना है। तो ये जो है एंड ऑफ द डे आप क्या करते हैं, ये आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जी राजीव जी, बिल्कुल, एंड ऑफ द डे क्या करते हैं राजनीति में ही नहीं बल्कि आपके जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं, और इसलिए, और खासकर जब चुनाव का वक्त हो तो बहुत संभल के चलना होता है। उधर अखिलेश यादव ने भी हाथ की बनाई हुई रोटी खाई और उसका एक ट्वीट जो है वो शेयर किया है, और इधर हाथ से बना रहे हैं दिए दीपावली के लिए राहुल गांधी। तो आप देश की राजनीति में, और इधर अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमला हो गया और अरविंद केजरीवाल की टीम जो है वो कह रही है कि ये हमला दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ऊपर बीजेपी ने करवाया है। तो अलग अलग तस्वीरें देखिए आप प्रेम कुमार जी, इन तस्वीरों के बीच बीजेपी मस्त है क्योंकि उसको चुनाव जीतना आता है कहते हैं वो लोग, लेकिन इन्हीं पिछले दिनों मैं, जबकि इसमें मेरा सबमिशन ये है कि 2024 लोकसभा चुनाव बीजेपी हारी, सरकार पे है, नीतीश बाबू की खबर आप सुन ही रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है कभी भी पलटी मार लें, हो सकता है चंद्रबाबू नायडू पलटी मार लें, उसके बाद क्या होगा ये देखना होगा। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज कि मेरे एक साथी लिख रहे हैं कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, जरा चेक कर लीजिएगा। दूसरी तरफ ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे राहुल गांधी की जो राजनीति है उसको अगर जोड़ा जाए इसके साथ में, प्रेम कुमार जी, तो आपका नजरिया इस पे? देखिए आपने ठीक चर्चा उठाई, अखिलेश यादव जी ने भी ट्वीट किया है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है।
अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है, कुछ महिलाएं वो रोटी बना रही हैं, जो जाहिर है उनके लिए बना रही हैं, ऐसी तस्वीरों तो हम हमेशा से देखते रहे कि नेता गरीबों के बीच में जाते हैं और मेहमान नवाजी करके लौट आते हैं। ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी हैं, जबकि बिस्लरी का बोतल अलग से मंगवा लिया जाता है, खाना के लिए प्लेट अलग से मंगवा लिया जाता है, एक स्टेज करके होता है। मैं इस मामले में नहीं कह रहा हूँ, अखिलेश यादव जी के मामले में नहीं कह रहा हूँ, मैं एक दूसरी बात कहने जा रहा हूँ। राहुल गांधी से कंपेयर करिए, राहुल गांधी जहाँ जा रहे हैं, दो बातें हो रही हैं। एक तो राहुल गांधी जिनके बीच जाते हैं उनकी उनके प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने लाते हैं, और दूसरी बात है कि उसको मान लीजिए विजुअल भी बनाते हैं, तो एक एंगल होता है कि वो अपना प्रचार भी कर रहे होते हैं। लेकिन इसका दूसरा एंगल आप देखिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिनसे राहुल गांधी जा कर के मिलते हैं, वहाँ जब आप जैसे पत्रकार, आपकी जैसे माइक आईडी के साथ पत्रकार वहाँ पहुँचता है और वो खुद जब अपने मुंह से बयां करता है कि राहुल गांधी आए तो क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या फीलिंग रही, कैसे बात आई, तो वो कहीं ज़्यादा बेशकीमती रिएक्शन है। वो रिएक्शन बहुत बेशकीमती है और इससे पूरे उस समाज का की फीलिंग, उनका रहन सहन, उनका से उनका जूझना, समाज से उनका जूझना, और मेहनत और हुनर होने के बावजूद उनको ऐसी जिंदगी मयसर हो रही है, इस ओर जो ध्यान वास्तव में राहुल गांधी दिलाना चाहते हैं वो इन तस्वीरों से बयां होती जब खुद वो बोल रहे होते। तो मेरे कहने का मतलब है कि नेता तो विजुअल बनाते हैं, नेता तो किसी के घर जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद वहां जिनके घर गए उनकी उनका रिएक्शन क्या था, इस मामले में हम देखें तो राहुल गांधी ने अब तक की सभी परंपराओं को तोड़ते हुए एक नई परंपरा रखी है। अब दूसरे लोग इसका अनुकरण करेंगे, लेकिन जो बात, जो संदेश, जो उन लोगों की जुबान से निकल रहा है राहुल गांधी के लिए या उनकी सियासत के लिए, या सियासत इसलिए कि जो मुद्दा उठा रहे हैं वो देश का मुद्दा है ना, मुद्दा उठाना राजनीतिज्ञों का काम है, इस वजह से सियासत तो है, इससे हम इनकार नहीं करते, सियासत है, लेकिन ये सियासत जरूरी है, यही सियासत होनी चाहिए, सियासत की यही धारा होनी चाहिए। ये बात जो है राहुल गांधी सियासत को पटरी पर ला रहे हैं और सीधे जनता की समस्याओं को जोड़ रहे हैं। कौन सा वर्ग बाकी रह जाता है, देखिए नाई के पास गए, कुम्हार के पास गए, मोची के पास गए, ऑटो ड्राइवर के पास गए, कुली के पास गए, कैब वाले के पास गए, ट्रक ड्राइवर के पास गए, किसानों के बीच गए, इवन वो होम डिलीवरी बॉयज जो होते हैं उनके बीच गए। कोई तबका बचा नहीं है जिनकी, जहां तक कि लोगों का ध्यान नहीं जाता है, इस ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, वहां पर उन्होंने ध्यान दिलाया है। तो ये काम देखिए, कहीं रोटी खा लेना जा करके अपनी, हम नेता हैं, बड़े नेता हैं, हम जाएंगे तो हम लोग हमारा स्वागत करेंगे ही, और वहाँ के लोग अपनी परंपरा में स्वागत करेंगे, ये उनका धर्म है, ये नेता की उपलब्धि नहीं है, ये उनकी विशेषता है कि वो अखिलेश यादव जी के आने पर उनको वो रोटी खिला रहे हैं जो रोटी खाते हैं, ये अखिलेश यादव जी की का कोई उपलब्धि नहीं है। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि ये तो ट्रेडिशन रहा है, ये गए लोगों के बीच ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम उनकी रोटी तो खाई, कम से कम देखा तो वो किस हाल में रह रहे हैं, ये बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो डिफरेंट चीज कर रहे हैं, इसको बताने के लिए मैं, अगर अनावश्यक किसी की आलोचना होती है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अनावश्यक आलोचना नहीं करना चाहता, बस मुद्दों पर ध्यान खींचने के लिए थोड़ा एक्सप्लेनेटरी हो रहा हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति, बहुत लोगों को लगता था कि हरियाणा चुनाव के बाद शायद पैटर्न बदलेगा, शायद चीजें बदलेंगी, लेकिन कोई भी चीज बदल जाए, कोई भी पैटर्न बदल जाए, जनता से कनेक्शन और उसका तरीका वो नहीं बदले तो ये बहुत अच्छी बात है। राहुल गांधी
से दूसरे लोग सीखें तो वो अच्छी बात होगी। और हमें लगता है बिना महाराष्ट्र गए हुए, महाराष्ट्र के नाई समुदाय को उन्होंने संबोधित कर लिया, बिना महाराष्ट्र गए कुम्हार समुदाय को उन्होंने संबोधित कर लिया, हालांकि उन्होंने पूरे देश के इस समुदाय को संबोधित किया है, लेकिन चुनाव हो रहा है इसलिए मैं महाराष्ट्र बोल रहा हूँ, चुनाव हो रहा है इसलिए मैं झारखंड बोल रहा हूँ, वहां के समुदाय के बीच बिना गए हुए वो पहुंच गए क्योंकि उनके मुद्दों को उन्होंने देश के सामने ला दिया। ये भी एक नई तकनीक, नया इजाद, नया तरीका राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का है। फिलहाल मैं इतना ही बोलता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नई तकनीक है, बिल्कुल नई तकनीक है ये। और ये राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से इस क्रम को आगे बढ़ाया है। जरा प्रशांत टंडन जी एक बार फिर से जल्दी जल्दी अब कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। प्रशांत जी क्या कहेंगे इसमें, क्या जोड़ेंगे? देखिए राजीव जी, आपको याद होगा कि धारावी में पतली पतली गलियों के बीच हम लोग मुंबई में इन्हीं कुम्हारों से मिले थे और उनका काम देखा था, उनका हुनर देखा था, और फिर ये भी देखा था कि वहां जो बन रहा है और वहां उस गली से सड़क आते आते उसकी कीमत और उसकी इकोनॉमी भी देखी थी कि उसकी इकोनॉमी चलाता कौन है, जिसके हाथ में हुनर है वो नहीं चलाता इकॉनॉमी, जो ट्रेडर है वो इकॉनॉमी चलाता है, वो पैसे बना रहा है उस हुनर में। जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो उस हुनर के साथ खड़े हैं, लेकिन आप देखिए कि कौन सी शक्तियां हैं जो इसको डिफीट करने में लगी हुई हैं। मैं चुनावी डिफीट की बात नहीं कर रहा हूं राजीव, आप देखिए कि पूरी एक ब्यूरोक्रेसी का बड़ा हिस्सा, इलेक्शन कमीशन हम देख रहे हैं कि लगभग पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहा है जी। हम देख रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनको प्रेरणा संविधान से नहीं मिल रही है फैसलों के लिए, उनको प्रेरणा किसी दैवी शक्तियों से मिल रही है, ऐसा विवादित बयान भी उन्होंने दे डाला। ये एक बड़ा असामान्य सा मामला है कि भारत का संविधान जिनको एम्पावर करता है, कतार के आखिरी व्यक्ति को, हम भारत के लोग, राहुल गांधी उनकी राजनीति करना चाहते हैं, और उस राजनीति को के विरोध में कौन खड़ा हुआ है? इंस्टीट्यूशंस जिनको संविधान के साथ खड़ा होना चाहिए वो संविधान को किनारे किए हुए हैं, ये बड़ी विषम स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र में राजनीतिक समीकरण हम लोग जो भी तय कर यहां पर डिस्कस कर रहे कि 2019 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ, शिवसेना बटी तो किसका कितना वोट शेयर कहाँ जाएगा, कितने परसेंट कौन है, कौन किसके खिलाफ लड़ेगा, ये सारे इक्वेशन हम कर रहे हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन का रोल पक्षपातपूर्ण होगा तो फिर जो संवैधानिक जो आंखों से दिख रहा है वो चुनाव सामने नहीं आएगा, वो नतीजा सामने नहीं आएगा। इलेक्टोरल रोल महाराष्ट्र में 30 अगस्त तक फाइनल हो चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को हरियाणा का सबक लेते हुए ग्राउंड पर जाना चाहिए किनके नाम कटे हैं। राजीव जी मैं ये काम कर्नाटक में देख चुका हूं कि इलेक्टोरल रोल से नाम उन समुदाय के काटे जाते हैं, उन गांव के काटे जाते हैं, उन मोहल्लों और गलियों के नाम काटे जाते हैं जिनके जो बीजेपी को वोट नहीं देते। इसकी समीक्षा अभी होनी चाहिए, ये कैंपेन का हिस्सा होना चाहिए, और फिर आप मोबिलाइज करें कि उन लोगों का मताधिकार जो है वो कैसे हो। मैं हरियाणा में, मैंने हरियाणा को छोड़ा नहीं है, हरियाणा में जाऊंगा और इसकी तफ्तीश करने के लिए मैं बात कर रहा हूं। बात यह है कि ये देश भर में हो रहा है, बिल्कुल ये 2019 के चुनाव में भी हुआ, ये सब जगह हुआ, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा होना चाहिए। बार बार मैं कहता हूं आपके प्रोग्राम के जरिए, और आखिरी बात कि सिर्फ ईवीएम नहीं है, इलेक्ट्रल रोल बनने से लेकर काउंटिंग टेबल तक गड़बड़ी की संभावना है। सिर्फ ईवीएम से नहीं होता, तो ईवीएम को अगर आप करेंगे तो वो चुनाव की जो धांधली है, चुनाव का जो घोटाला है,
उस पर पर्दा पड़ जाता है, क्योंकि असली खेल कहीं और हो रहा होता है। इसलिए ये मुद्दा भी होना चाहिए कि किनके नाम काटे गए, किनके नाम जोड़े गए। तमाम ऐसे लोगों के नाम जोड़े जाते हैं जो राज्य के होते ही नहीं है, वो वहां पे काम करने गए, उनका वोट अपने राज्यों में है, लेकिन उनके नाम जोड़ दिए जाते हैं ताकि वो वोट दे सके। ये चुनाव आयोग इस तरीके से चुनाव को अगर कंडक्ट कराएगा तो जो संवैधानिक स्कीम है उसको आघात पहुंचता है और धोखा होता है उसके साथ। जी राजू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, संवैधानिक स्कीम की बात हो रही है, धोखा होता है बिल्कुल। अनिल सिन्हा जी, क्या जोड़ेंगे आप इसमें? ये महाराष्ट्र में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, तो ये काम आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो महाराष्ट्र में जो ब्यूरोक्रेसी है और जो परंपरा पहले से है वो उतनी मतलब कमजोर नहीं है, एक तो ये है। दूसरा, पार्टियां भी जो जिस तरह की मतलब नरमी, मतलब जिस तरह कमजोरी दिखाई, सांगठनिक कमजोरी कांग्रेस ने, वो इस तरह की कमजोरी यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ तीनों जो ये है अघाड़ी में, शिवसेना शरद पवार और नहीं शिवसेना उद्धव ठाकरे शरद पवार एनसीपी और कांग्रेस, ये तीनों का संगठन जमीन पे है और वो काफी लंबे समय से चुनाव के तरीकों को जानते हैं। कम से कम शरद पवार जो है ये सब मामले में बहुत ही उनका जो मतलब उनकी नजर काफी तेज है, ये सब इन चीजों छोटी छोटी चीजों पर उनकी नजर रहती है, तो मुझको लग रहा है कि इतना आसान नहीं होगा। दूसरा है क्या कि ये जो मराठी वर्सेस इनका जब होगा क्या कहते हैं गुजराती का, तो उसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। इसमें ये मत मानिए कि सिर्फ वोटर्स का मामला है, उसको ये मैनिपुलेट कर लेंगे, उसकी ये फीलिंग है नीचे से ऊपर तक कि इंडस्ट्री बाहर ले जा रहे हैं गुजरात या ये कर रहे हैं, तो उसका असर वहां भी दिखेगा, तो इसीलिए महाराष्ट्र में ये इजीली नहीं कर पाएंगे। ये जो दिक्कत आएगी वो झारखंड में बहुत है, क्योंकि झारखंड में एक तो गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं, उन सांगठनिक रूप से भी कांग्रेस उतनी ताकतवर नहीं है, जेएमएम के लोग उतने सक्षम नहीं हर जगह होंगे, तो वो मैनिपुलेट करने की उनकी कैपेसिटी जो है वो काफी ज्यादा है झारखंड में। लेकिन महाराष्ट्र में मुझको लगता है कि ये कम से कम आपको न्यूनतम आप इसको समझिए, यहाँ पर वो जो खेल करने वाले हैं वो कैंडिडेट्स और जो पैसा उन कैंडिडेट्स की तरफ से खर्च होगा, चुनाव खर्च जबरदस्त है और कैंपेनिंग जो आप पूरा गोदी मीडिया है अखबार है ये सब के जरिए, तो उसमें ये मतलब इसमें है, इनके पास भी काफी रिसोर्सेस है, महाराष्ट्र एक काफी रिसोर्स रिच स्टेट है, इसीलिए यहाँ वो प्रॉब्लम दूसरी पार्टियों को भी कम है, लेकिन उनका मुकाबला ये नहीं कर सकते। लेकिन मुझको लग रहा है कि जैसा महायुति का चल रहा है ना, कि उनको वही लोग हराएंगे, ये उनको हराएंगे वो उनको हराएंगे, दोनों एक दूसरे, क्योंकि दोनों में से अनिल जी कोई अगर ज्यादा, अनिल जी ये धारावी है, प्रशांत टंडन जी की रिपोर्ट धारावी की अभी लोकसभा चुनाव के वक्त की, और यहाँ भी वही कुम्हारों से बात कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी, ये देखिए दिए बन रहे हैं जी। नहीं नहीं, लेकिन ये जो हुनर वाली बात है ना, एक बार हमको लग रहा है धारावी जो है जा करके राहुल गांधी को, ये हुनर वाले लोगों का धारावी जो एक बिग प्रोडक्शन सेंटर है और हर तरह का परंपरागत जो चीजें हैं उसके साथ साथ जो एकदम मॉडर्न चीजें भी, दोनों का जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो धारावी उसका मतलब वो तो धारावी है, उसको उसकी तुलना आप कहीं के बाकी झुग्गी बस्तियों से नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, धारावी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और धारावी में जिस वक्त हम लोग लोकसभा चुनाव के वक्त जब हम लोग मुंबई गए थे और उस वक्त हम लोगों ने वहाँ जब हम धारावी जाकर रिपोर्टिंग की थी, प्रशांत जी इन कुम्हारों से बात कर रहे थे, और उस वक्त याद कीजिए प्रशांत जी ये दीपावली की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त तैयारी कर रहे थे, और इनका कहना था कि पूरे देश में हमारा ये प्रोडक्ट जाता है और अलग अलग ढंग से। अब वो एक घर में हम लोग गए, उसी वो सकड़ी सी गलियां और उसमें 2-2.5 फीट की गली, और वहाँ पर पूरा का पूरा परिवार जुटा हुआ है, रंगाई पुताई कर रहा है दियों की, वो सब कुछ उसमें कलाकारी कसीदाकारी वो सब कुछ चल रहा है उसमें। समीर जी ज़रा आना चाहता हूँ जल्दी से, समय बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन
दीपावली का वक्त, राहुल गांधी की अपनी राजनीति, शरद पवार उद्धव ठाकरे की अपनी राजनीति, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, कि देखना होगा कि कौन महाराष्ट्र द्रोही है या महाराष्ट्र प्रेमी है। और अब ये खबर आ रही है कि इधर एनडीए की तरफ से, महायुति की तरफ से मिलिंद देवड़ा वो सामने खड़े होंगे। कितनी चुनौती दे पाएंगे आदित्य ठाकरे को बडली से, मिलिंद देवड़ा? जी, अब मिलिंद देवड़ा अभी तो लड़ रहे हैं नहीं, अभी ये खबरें हैं, लेकिन कितनी चुनौती दे पाएंगे ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और ऐसे में जब चाचा भतीजा फिर चाचा भतीजा इस लेवल की, मतलब दो दो पीढ़ियों के चाचा भतीजा की लड़ाइयां हैं, तो उसमें आदित्य ठाकरे वर्सेस मिलिंद देवड़ा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अब चुनाव तो होते ही है हार जीत के लिए, लेकिन बहुत संक्षेप में, चूंकि समय अब समाप्त भी हो रहा है, एक तरह से कहा जाए समाप्त हो ही चुका है, हो चुका है, मैं प्रशांत जी की बात को दोहराना चाहूंगा कि ये आमने सामने वाली लड़ाई में भले ही कितने मजबूत हैं, लेकिन निगाह रखनी होगी जो पीठ पीछे की लड़ाई है एमबीए को, महाविकास अघाड़ी को, कि वो लड़ाई किस तरह से लड़ी जा रही है, किस रणनीति से लड़ी जा रही है, और उसकी इनके पास क्या काट है, बहुत मायने रखती है। महाराष्ट्र में भी, झारखंड में भी, कहीं वो लोकसभा में भी उसका महत्व रहा और कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए, नहीं तो जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की आई है उतनी भी नहीं आई होती अगर ये सतर्कता वहां भी दिखाई गई होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अमलेंदु जी, क्लोजिंग जल्दी से छोटा। अब बस राजीव जी, ये कि अब चुनाव शुरू हो गया है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, महायुति में खूब चल रहे हैं और दूसरी तमाम सुलट रहे हैं, बाकी सबको अपनी अपनी तैयारियां करनी है। और देश की सियासत से सबसे बड़ी खबर यही है कि एनडीए में मुसीबत बढ़ रही है, देवेंद्र फडणवीस जो है मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं एनडीए में, एकनाथ शिंदे जो है वो अपना दल बचाने की तैयारी कर रहे हैं, अजीत पवार अपना दल बचाने की तैयारी कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, बाकी सब चुनाव में तय होगा। हाँ, ये बात तो सही है, सब कुछ ना कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने अध्यक्ष को बनाने की तैयारी कब करेगी ये भी जानना होगा। आने वाले समय में ये भी समझेंगे कि बीच में अचानक अध्यक्ष पद की खूब बात हो रही थी, कौन कौन अध्यक्ष बन रहे थे, बहुत लोगों के नाम भी आ रहे थे, ये अचानक कहाँ गायब हो गए। वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाह रही थी, कभी देवेंद्र फडणवीस को लेके आ रहे थे, कभी कुछ और नाम आ रहा था, इन सब के बीच ये अध्यक्ष पद आखिर कहाँ लुप्त प्राय हो गया है ये समझना होगा, समझेंगे आने वाले समय में। लेकिन बहुत मज़ेदार है सियासत देश की, और इसमें एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी आमने सामने ये साफ दिखाई देते हैं, और राहुल गांधी बहुत आगे जा चुके हैं देश की ऐसी राजनीति में जहां कभी दिए बनाते हुए दिखाई देते हैं वो, कभी ट्रिमिंग कराते हुए दिखाई देते हैं, कभी मोची की दुकान पे पहुंच जाते हैं। तो लंबी फेरिस अभी हमारे साथी प्रेम कुमार जी बता ही रहे थे और सारे वीडियो आप लोग देख चुके हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो इन सब चीजों के बीच नरेंद्र मोदी प्लेन से उतरते वक्त सीढ़ियों को, और जो बगल में जो सीढ़ियां उतरते वक्त जो रेलिंग होती है उसको पकड़ के कई लोग उतरते हैं क्योंकि वो गिर न जाए, वो बिना पकड़े हुए नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं, और चीन के राष्ट्रपति उसको पकड़ के उतर रहे हैं, भक्तगण उसी में खुश हैं, खुश रहिए। चलिए, इस चर्चा को, लोग खुश रहें और आबाद रहें और महंगाई थोड़ी कम हो, बेरोजगारी दूर हो, अंधकार जो छाया हुआ है दिया दियो की बाती की तरह धीरे 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 उजाला हो, यही कामना करते हैं। अभी दीपावली में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले दीपावली की जो खुशबू कहें, दियो की जो रोशनी है वो धीरे धीरे दिखाई देने लगी है, इसलिए ऐसी कामना कर रहा हूं, और सब लोग खुश रहें और अपने अपने हिसाब से खुश रहें, यही कामना है। जो भक्ति कर रहे हैं वो भी खुश रहें, जो अंधभक्ति कर रहे हैं वो भी खुश रहें, और जो परिवर्तन चाहते हैं वो भी खुश रहें, देश खुशहाल रहे ऐसी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया अनिल सिन्हा जी, समीरात्मज मिश्र जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और शकील अख्तर जी, कुछ कुछ तो लेके आ ही जाते हैं शकील जी जब उधर जाते हैं। कांग्रेस में आज जो चल रही है बैठक, वहाँ से जो कुछ आपने सुना शकील जी की जुबानी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो शकील जी से लेकर तमाम हमारे साथी आप तक उन तमाम खबरों को पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो आप तक पहुँचना चाहिए, खबर जो आप